पायल जी, यू कैन स्टार्ट। सभी को नमस्ते। जतन संस्थान महावारी स्वास्थ्य भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी वेबिनार श्रृंखला का चौथा एपिसोड है और इसमें आप सबका बहुत 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 स्वागत। यह श्रृंखला एक प्रयास है कि हम महावारी स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के नजरियों को, समुदाय की सोचों को और उनके द्वारा किए गए कामों को आप सभी तक पहुँचा सके, प्रस्तुत कर सके। पिछले तीन एपिसोड में बहुत हर्ष से हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले तीन एपिसोड में हम कुल 10 राज्यों से 15 CSOs, 15 संस्थानों की जमीनी आवाजों को आप तक लेकर आ चुके हैं और सिर्फ तीन एपिसोड के अंदर हमने 1000 से अधिक व्यूअर्स तक 10 राज्यों के कुल 19 क्षेत्रों की आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इसमें उन्होंने अपने फील्ड की सारी रियलिटीज, महावारी स्वास्थ्य को वहाँ कैसे देखा जाता है, वहाँ किस तरह के मिथ्स और टाबूस चल रहे हैं और क्या छोटे छोटे प्रयास वो दिन प्रतिदिन कर रहे हैं जिससे वो महावारी जैसे मुद्दे पे चुप्पी तोड़ सकें और उसके ऊपर खुल करके बोलना और उसके ऊपर सही जानकारी व्यक्तियों तक, मेंस्ट्रुएटर्स तक, समाज तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन तीन एपिसोड में हमने बहुत अच्छा अनुभव पाया और हमारे श्रोताओं ने इसमें बहुत बढ़िया सहयोग दिया। ये एपिसोड हमारा थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जमीनी स्तर पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के प्रयासों की, उनके एक्शन की जड़ें दरअसल कहाँ से निकलती हैं। तो आज का पूरा एपिसोड जो डेडिकेटेड है वो डिजाइनर्स के पर्सपेक्टिव से इस पूरे मुद्दे को बांध रहा है। तो बिना देर करे हम लोग आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आपकी मॉडरेटर पायल आज आपके इस एपिसोड में आपके साथ रहूंगी। मेरे साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ है जिसमें हमारे साथ ही राजसी, लक्ष्मी, भूपेन, ओम, सोहेल, स्मृति, हम सभी शामिल हैं। साथियों, इस एपिसोड में ज्यादा से ज्यादा रीच बन सके के लिए हमने हैशगीक को अप्रोच किया था। हम हैशगीक को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप मैक्सिमम ऑडियंस तक हम तक पहुंचाने में हमें मदद करी। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथ हर एपिसोड में लगातार जुड़े हुए हैं। तो बिना देर करे हुए हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले बुलाना चाहते हैं डॉक्टर कैलाश विश्वासी जी को। डॉक्टर कैलाश विश्वासी जतन संस्थान राजस्थान की जो संस्था है उसके फाउंडिंग पर्सन है एंड वो अभी निदेशक के पद पर इस संस्था के साथ जुड़े हैं। आपका पिछले 3 दशक से भी ज्यादा अनुभव है जेंडर की थीम पे, लाइफ स्किल्स की थीम पे, यूथ के साथ काम करने पे। तो इन्हीं सारे मुद्दों के साथ आप हमारे ना सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं और इस को बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सराहा भी गया है। तो कैलाश जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के पूरे एपिसोड की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आप हमें ये भी बताएं कि ये वेबिनार श्रृंखला क्यों हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो कैलाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के एपिसोड की शुरुआत करें। धन्यवाद। मैं सबको नमस्ते करता हूँ, नमस्ते साथियों, सबका स्वागत करता हूँ जतन संस्थान की ओर से और इस पूरी वेबिनार टीम की ओर से जो इसको आयोजित कर रही है आपके लिए। साथियों, आज का मुद्दा है प्रजनन स्वास्थ्य संप्रेषण और ये मुद्दा मुझे बताते हुए खुशी है कि जतन का शुरुआती मुद्दा है क्योंकि इसी मुद्दे के साथ में तकरीबन 20 साल पहले जतन ने अपने काम की शुरुआत की थी और आज जो ये एपिसोड जिन लोगों के लिए समर्पित है, डिजाइनर्स के लिए, तो डिजाइनर्स ने अपना पहला फील्ड टेस्टिंग इस विषय को लेकर उन ग्रामीण किशोर किशोरियों के साथ
काम किया जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब आप सोचिए कि उस समय जो स्कूल से बिल्कुल अछूते थे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को किस तरह से रखा जाए और इस मुद्दे पे किस तरह उनकी समझ बढ़ाई जाए। तो मैं प्रणाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने 20 साल पहले इस यात्रा को शुरू किया था। कम्युनिकेशन की अगर बात करें साथियों, तो जब भी हम अपने विचारों को और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने की बात करते हैं तो हम संचार की बात करते हैं या संप्रेषण की बात करते हैं। और आप देखिए संस्थाओं में तो ये शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा सुनने को मिलता है, कहता है ना कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या बहुत गैप है इस तरह के कम्युनिकेशन में, या यूं भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करो। तो मुझे ये लगता है कि इस शब्द के गहरे मतलब से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन इससे आगे की जो बात है, आगे के शब्दों की बात है, उससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। और वो ये बात है कि हम न केवल बोलने और सुनने या लिखने और पढ़ने को संप्रेषण की प्रक्रिया मानते हैं, बल्कि हमारे जो बनाए गए चित्र हैं, तस्वीरें हैं, फिल्में हैं, उनसे भी ये प्रक्रिया बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस बारे में आज हम अपनी समझ को थोड़ा विस्तृत करने वाले हैं। तो आप देखिए कि संदेशों को पहुंचाने के लिए हम इस तरह की प्रक्रिया को काम में बहुत शुरू से लेते आए हैं और इसको आमतौर पे विजुअल कम्युनिकेशन या हिंदी में अगर कहूँ तो दृश्य संप्रेषण कहा जाता है। और ये बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। जहां तक मेरा ध्यान है, मैंने अपने स्कूल टाइम में भी और उससे पहले अगर इतिहास पढ़े आप तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत पहले से दृश्य संप्रेषण का या विजुअल कम्युनिकेशन का उपयोग होता आया है। आगे आपको हमारे स्पीकर्स बताएंगे उसके बारे में डिटेल में। पर यहाँ ये अलग बात है कि ये जो समझने और समझाने के लिए हमारा जो नजरिया है वो बहुत मायने रखता है कि आप ये जो दृश्य वाली जो संचार है, दृश्य वाला संप्रेषण है, इसको आप कैसे समझ पाते हैं। इसमें नजरिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि हम किसी भी चित्र में दिखाए गए संदेश को हम ठीक वैसा ही समझें जैसा कि इसे बनाने वाला या इसे डेवलप करने वाले ने सोचा था। तो जैसे कहते हैं ना कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो जिसका जैसी बुद्धि होती है वो उसी रूप में उसको स्वीकार भी करता है और उसी रूप में बनाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो विजुअल लिटरेसी है उसके उसको समझने के तरीके अलग हैं और समझाने के भी तरीके बहुत अलग हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि समझ चाहे जो भी बनी हो, हमको ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस तरह के जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत काम हुआ है, खास तौर पे सोशल इश्यूज को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके। वो मुद्दा चाहे शिक्षा का हो, वो मुद्दा स्वच्छता का हो, वो मुद्दा स्वास्थ्य का हो या परिवार नियोजन का हो, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके हो और प्रजनन स्वास्थ्य का भी हो। जिन लोगों के साथ और जिन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उनमें सबसे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो शिक्षा से अभी भी बहुत दूर हैं, जो कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गए या बहुत जल्दी शिक्षा से दूर हो गए हैं। तो ये स्थिति हमेशा से विजुअल कम्युनिकेशन वालों के लिए या दृश्य संप्रेषण का जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक चैलेंज रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। फिर भी अगर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि इस तरह के संप्रेषण में काम की कभी भी कोई कमी नहीं रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये एक बहुत अलग विषय है, अलग मुद्दा है, क्योंकि इसका प्रभाव सकारात्मक भी रहा है, नकारात्मक भी रहा है। इसको जिसने जैसा समझा वैसा ही आगे बढ़ा दिया है। आप देखिए 70 के दशक में परिवार नियोजन को लेके बहुत काम हुआ है, चित्र बनाए गए हैं, फिल्में बनी हैं, प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन यहाँ पे उस वाली प्रचार सामग्री का कितना प्रचार का दुरुपयोग किया गया है और उसका मिसयूज कितना हुआ है, ये हमें एक बार मतलब थोड़ा आकलन करके देखना होगा। आप ये देखिए कि यहाँ पे हम ये भी समझें थोड़ा सा कि ये जो प्रोसेस है जो हम दर्शाते हैं वो सीधा हमारी मानसिकता पर असर डालता है, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो या अनपढ़ वर्ग हो, चाहे वो बहुत कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। अब देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप जब बच्चों को वाक्य बनाना सिखाते हैं तो आप ये दर्शा रहे होते हैं कि भाई सुरेश खेल रहा है, पिंकी खाना बना रही है।
तो ये बात जितनी आसानी से लड़के और लड़कियां या महिला और पुरुषों के काम को और भूमिकाओं को पुख्ता कर लेती है, मजबूत कर लेती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अनजाने में हम क्या करते हैं कि इन छवियों को साकार करने लग जाते हैं और इसका परिणाम भेदभाव के रूप में सामने आता है। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे समय बदलता गया, मानसिकता भी बदलने लगी। तो ये चित्र मानसिकता बनाने का काम करते हैं, मानसिकता में बदलाव लाने का काम करते हैं। अब देखिए, जब बदलाव आया तो आज की तारीख में आप ये देखेंगे कि किसान के रूप में अब केवल पुरुष नहीं दिखते हैं किताबों में, अब महिलाएं भी दिखने लगी हैं उसमें किसान के रूप में। तो इस क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, डिजाइनर्स जो भी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके बनाए हुए चित्र लोगों की मानसिकता पर चोट करते हैं। वो बताते हैं कि हम गलत हैं या हम सही हैं। हम परंपरागत रूप से शायद सही हो सकते हैं, लेकिन न्याय की दृष्टि से हम शायद गलत भी हो सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी को कितना पूरा करते हैं, ये थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। तो आप ये देखिए कि हम जो भी काम करें उसमें हम बहुत ईमानदारी रखें और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपके द्वारा बनाए गए जो मैसेज हैं, जो संदेश हैं, वो किसी भी वंचित वर्ग के सदस्य के लिए अन्याय का आधार नहीं बन जाए, गलती से भी नहीं बने, क्योंकि ये पूरे समाज की संरचना को प्रभावित कर लेता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसे ही मैं भी देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में अब चेंजेस हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। दो दशक पहले अगर आप देखोगे तो प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे पर चित्र दिखाना तो बहुत दूर की बात है, आप उस पर बात तक नहीं कर पाते थे। जब इस विषय पर बात करने की आवश्यकता सामने आई दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और संस्थाओं की तरफ से भी, तब चित्र बनने लगे। आज भी आप बहुत सारे स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि किशोरावस्था में होने वाले बदलाव को लेके जब बात की जाती है तो उनके चित्र कपड़ों के साथ बनाए जाते हैं लड़के लड़कियों के, जबकि संस्थाएं जो किसी हद तक आजाद है अपनी बात कहने के लिए, जब वो इस तरह की सामग्री तैयार करती है तो वो बहुत ज्यादा सटीक होती है, बहुत ज्यादा स्पष्ट होती है और किशोर किशोरियों को और लोगों को सीधे समझ में आने वाली होती है। तो ये फर्क है दोनों में। तो आप ये देखिए कि अगर इस तरह की सामग्री का जब आप अध्ययन करें तो दोनों में अंतर को आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पे चेतना संस्था जो अहमदाबाद में काम कर रही है उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो एकदम पहरुआ रही है इस क्षेत्र में काम करने की और उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत बढ़िया सामग्री तैयार करी है, लोगों को ट्रेनिंग दी है। आज भी उन सामग्री की उतनी ही डिमांड है जितनी 20 साल पहले हुआ करती थी। तो उनके काम को हम सराहते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। मेरा ये मानना है कि आप लोग भी अपनी संस्थाओं में अगर इस विषय पे काम कर रहे हैं तो आपने भी बहुत सारी सामग्री तैयार की है और अभी भी कर रहे होंगे। पर मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम आपने किया है, उसको अपने तर्क की कसौटी पे जरूर परखें, उसकी ऑडिट करें और ये पता लगाएं कि कहीं हम भी चूक तो नहीं रहे हैं, हम गलती से कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दे रहे हैं जो परंपरा को मजबूत कर रहा है और न्याय के ऊपर चोट कर रहा है। तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। तो आज की इस वेबिनार के लिए मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का मौका मिला। और चलिए, अब बहुत ज्यादा बात नहीं करके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और मंच से पायल जी और लक्ष्मी जी के हवाले करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कैलाश जी। इससे बढ़िया पृष्ठभूमि हो ही नहीं सकती थी कि हम कम्युनिकेशन को कैसे जमीनी स्तर से जोड़ते हुए देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है कि स्टीरियोटाइप्स को रीइन्फोर्स करने में विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत बहुत योगदान होता है। तो हमारे कम्युनिकेशन जितने इंक्लूसिव होंगे उतना ज़्यादा हम उन स्टीरियोटाइप्स को बिट बाय बिट छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ पाएंगे और एक अच्छी इंक्लूसिव समाज की परिकल्पना की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। साथियों, आज के हमारे पहले स्पीकर को बुलाने से पहले मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ खींचना चाहती हूँ। आप स्क्रीन पर उन चार साथियों के चेहरे देख रहे हैं जो एक लंबे समय से सोशल कम्युनिकेशन, क्राफ्ट डिजाइन
और आर्टिसंस के साथ काम करना, साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए पायनियर्स रहे हैं। नाच सकता हूँ, कूद सकता हूँ। इनमें से हमारे तीन साथी मिस्टर एमपी रंजन, मिस्टर विकास सातलेकर और मिस्टर विजय जोशी आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इन चारों ने जो हमें सहयोग दिया है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, वो बहुत सराहनीय रहा है। डिज़ाइन के क्षेत्र में इन्होंने हम सभी को प्रेरित किया है और आज के ये एपिसोड इन्हीं चार साथियों को समर्पित है। तो साथियों, इसी थॉट के साथ हम अपने पहले स्पीकर को बुलाना चाहते हैं। हमारे पहले स्पीकर हैं मिस्टर अमिताभ। आप 25 साल से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन संचार यानी कि बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हैं। आप एक रचनात्मक विजुअलाइजर हैं और बिहार राज्य के में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता अभियानों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में अपनी ठोस पहचान रखते हैं। और प्रेजेंटली आप C4D यानी कि कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए संचार में राज्य के सलाहकार भी हैं। तो बिना देर करते हुए हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं अमिताभ जी कि आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हमारे सभी श्रोताओं तक अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को और अपनी पूरी जो ये जर्नी है इतने 25 साल से भी अधिक की, हम सभी के साथ साझा करें। अमिताभ जी। धन्यवाद पायल और धन्यवाद कैलाश जी, बहुत बढ़िया आपने आज के सत्र के बारे में जो आज शुरुआती जो आपका वक्तव्य रहा उसमें पूरा एक समा बांध के हम लोग अब जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने की आज कोशिश करेंगे उसके लिए एक बहुत बढ़िया आपने एक एनवायरनमेंट सेट किया है। मैं जो अभी आज बात करने वाला हूँ, मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। मुझे एक बार फीडबैक मिल जाए पायल कि मेरी आवाज़ आप तक सही सही पहुंच रही है या नहीं। जी अमिताभ जी, हमें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही है और हमारे साथी भी तैयार हैं, जब आप प्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे तो हम आपकी सामग्री भी प्रेजेंट कर देंगे। तो मैं अपने तरफ से नहीं, आपके तरफ से वो प्रेजेंट हो जाएगा, नहीं जो मुझे स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज जो हम लोग अभी अगले 15-20 मिनट तक जो बात करने वाले हैं उसमें मैंने इसको तीन भागों में विभाजित किया है। एक तो कि मैं बिहार से हूँ और लगभग जैसा पायल जी ने बताया कि बहुत ऑलमोस्ट क्योंकि जन्मा भी यहीं हूँ और सिर्फ पढ़ाई करने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद गया और पढ़ के फिर से वापस बिहार आया हूँ, तो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे लगातार काम करता रहा हूँ। तो महामारी स्वास्थ्य के संदर्भ में बिहार के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा जो थोड़े वर्षों पहले के हैं, लेकिन वो एक आधार तय करता है कि हमने कहाँ से शुरुआत की और क्या हमारा प्रयास रहा। तो कुछ आंकड़ों से शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ चुनौतियाँ जो एज अ डिज़ाइनर हम लोगों के सामने आती हैं, और डिज़ाइनर मतलब होता क्या है, क्या डिज़ाइनर मतलब एक चित्र बनाने वाला सिर्फ होता है या चित्र से डिज़ाइन मतलब एक चित्र होता है या चित्र से भी और कुछ बढ़ के बातें होती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी अपनी राय रखना चाहूँगा। और तीसरे कि फिर हमने एक छोटा सा ऐसे तो और भी बहुत सारे प्रयोग या कह लीजिए कि कुछ काम जो इंटरवेंशन फील्ड लेवल पर किए गए हैं उसके सारे के उदाहरण रखना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक उदाहरण प्रस्तुत करूं आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने किया और उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए, उसका प्रभाव तो अच्छा प्रभाव रहा किशोरियों के बीच में। तो शुरुआत करते हैं बिहार के कुछ आंकड़ों से जिनसे हम सभी परिचित हैं। भारतवर्ष के भी आंकड़े इससे कहीं कोई ज़्यादा अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर से एक बात फिर से याद दिलाने के लिए कि कैसा चल रहा है, और हम अपने मन से कोई काम नहीं करते, मन से कहने का मतलब कुछ सोच के नहीं, एक सबसे पहले एक ज़रूरी ये है कि हम स्थिति को जानें, लोगों को समझें, उनकी राय जानें, वो क्या समझते हैं उसको पूरी तरह से समझें और फिर इंटरवीन करें, हमें जो करना है उसको हम करें। तो ये आंकड़ा जो है वो 2013 का है, 7 साल हो गए और ये आंकड़ा
दरअसल दो बिहार के जिले हैं, आप उन जिलों से परिचित होंगे क्योंकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। एक तो नालंदा है जो अपने विश्वविख्यात अपने प्राचीन यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा वैशाली है जो कि विश्व का पहला गणतंत्र रहा है। तो इन दो जिलों में लगभग 4,500 रिस्पोंडेंट्स, जिसमें किशोरी लड़कियां थीं, वैसी भी लड़कियां जिनकी महावारी अभी नहीं शुरू हुई है और वैसी लड़कियां जिनकी महावारी शुरू हो चुकी है, उनके अभिभावक, माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाएं और हेल्थ वर्कर्स, हम सब ने, हम लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि अभी इनके दिमाग में क्या चल रहा है और महावारी को लेके इनकी समझ क्या है। तो आइए कुछ आंकड़े देखते हैं कि अभी 2013 की स्थिति क्या थी बिहार में इन जिलों में बच्चियों के बीच और इवन हेल्थ वर्कर्स और शिक्षकों के बीच। तो अगला स्लाइड देखते हैं। क्या हम अगला स्लाइड देखें? एक तो ये आपको जानकर शायद हैरानी हो या आप जानते भी होंगे कि उस समय 2013 की बात है, दोनों जिलों में लगभग 96% ग्रामीण किशोरियां और वैसी सभी जो महावारी के लिए कोई डिस्पोजेबल जो एब्जॉर्बेंट यूज करती थी वो पुराना कपड़ा ही था। 96% किशोरियां और महिलाएं पुराना कपड़ों का ही इस्तेमाल कर रही थी। नेक्स्ट, और इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। लड़कियों से जब हमने ये पूछा कि आपके ऊपर कितनी बंदिशें हैं और आप बहुत सारे नियम लाद दिए जाते हैं आपके, तो उसके बारे में आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, तो 92% बच्चियों ने ये कहा कि ये तो सही है, ये तो होना ही पड़ेगा। इस तरह का एक मानसिकता, एक पहले से ही स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारा ऐसा ही चलने वाला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तिरासी प्रतिशत जो 4,500 लोगों के बीच हम लोगों ने इस बात को रखा, उसमें से 83% बच्चियां और बड़े ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही उनकी कोई तैयारी नहीं थी महावारी को लेकर। महावारी को लेकर वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनको ना कोई जानकारी थी ना कोई तैयारी। नेक्स्ट, नए स्लाइड पे जाते हैं। और ये जो उतना आत्मसम्मान होता है या आत्मविश्वास होता है या कह लीजिए कि जो एक झिझक बनी होती है, तो 81% लड़कियों में वो झिझक थी और उन्हें लगता था कि ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उसमें तो महावारी के समय वो सही नहीं रहेगा, और उनमें एक झिझक था, वो ऐसे वो उनका आत्मविश्वास में उनमें कमी थी। अगला स्लाइड। 75% किशोरियां को कोई जानकारी नहीं थी कि जो महावारी के समय अगर वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें धोना कितना जरूरी है, इसमें उनकी कोई उसको कोई जानकारी नहीं थी। और वो शायद अगले साइड में शायद आए कि शायद उन्होंने धोया भी नहीं कभी इस्तेमाल करने के पहले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 61%, ये नंबर कितने हैं आप सोच लीजिए, थोड़े मोड़े नंबर नहीं। 61% लड़कियां हमेशा से एक बड़ा ही उन्हें एक एम्बेरस्ड फील करती थी, एक उन्हें जो उनके प्रतिबंध जो लगाए हुए थे जो ऐसे ही उसके प्रति वो बहुत ही दुखी और एम्बेरस्ड रहती थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये तो आज भी है, क्योंकि अब हम लोग स्कूल इंप्रूविंग स्कूल अटेंडेंस के स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और ये एक मुद्दा बहुत बढ़ के आ रहा है कि महावारी के दौरान लड़कियां अभी भी स्कूल से एब्सेंट करती हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय भी इन दो जिलों के जो आंकड़े आए वो 59% ऑफ द
गर्ल्स ढूंढी जो हम जिनसे हम लोगों ने बात की और पाया कि वो लगभग 60% बच्चियां स्कूल नहीं जाती महामारी के दौरान। नेक्स्ट 56% लड़कियों ने बताया कि उनके साथ कभी किसी ने भी ना बड़े ने ना छोटे ने कभी ये चर्चा ही नहीं हुई है ना उन्होंने कभी चर्चा की है कि महावारी दरअसल होती क्यों है और इसके कारण क्या है, ये कैसे होती है, क्यों होती है। 56% लड़कियों को के साथ कोई चर्चा नहीं की गई। अगला स्लाइड प्लीज। और 47% तो ऐसी थी जो डरती थी, उन्हें डर था, काफी डर का सामना कर रही थी इस, जब हम इस बारे में विषय में सोचे या बात करें या इस दौरान इस समय से गुजरे तो उन्हें एक डर सताता था इस पूरे प्रोसेस को लेकर। हमने बात की बहुत सारी ऐसी लड़कियों और महिलाओं की जो कपड़े का पुराने कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ये आंकड़ा निकल के आया कि 28% लड़कियों और महिलाओं ने कभी इसको धोने की जरूरत नहीं समझी। मतलब पहली बार जब वो इस्तेमाल कर रही उसके पहले वो कपड़ा कहाँ रखा है, कैसा है, उसे धो के इस्तेमाल करना है इसकी जरूरत नहीं समझी गई, उसे उन्हें कोई बताने वाला नहीं था और उन्होंने जैसे तैसे वैसे ही इस्तेमाल किया। अगला स्लाइड प्लीज। 15% तो ऐसी भी बच्चियां थी जिन्होंने कभी सैनिटरी नैपकिन जैसी भी कोई चीज होती है, मतलब कपड़े के अलावा भी कुछ और होता है, वो उन्हें नहीं जानकारी थी। 15% का। अगला स्लाइड प्लीज। और ऐसे भी बहुत सारे माताएं थी जिनसे पूछने पर पता चला कि उन्हें लगता था कि हमारी बच्ची तो जान ही गई होगी अब तक, उन्होंने कभी बताया नहीं, माताओं ने नहीं बताया, लेकिन वो उनकी एक धारणा थी कि वो बच्ची को पता होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि बच्चियों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उनकी पहली महावारी शुरू हुई उसके पहले वो इस पूरे प्रोसेस से पूर्णतः अनजान थी, उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि इसके लिए करना क्या है, ये होता क्यों है, ये कैसे हुआ इसके बारे में। और कुछ तो इतनी ज़्यादा डरी सहमी थी और जब ये उनके साथ हुआ, और ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया की कहानी है, जब अगर लड़कियों को नहीं बताया जाए महावारी के बारे में और वो उसके स्वागत के लिए तैयार नहीं हो तो कितनी कठिनाइयाँ और कितने डर का सामना लड़कियाँ करती हैं, उन्हें वो कितने असमंजस में रहती हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और ये आंकड़ा देख लीजिए कि 90% महिलाएं ये सोचती हैं कि बच्चियों को तो पता ही होगा। और सिर्फ ये ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण इलाके की महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो शहरों में भी यही स्थिति है जहाँ पे ये सोचा जाता है कि समय आने पर बता देंगे, और वो समय कब आने पर, मतलब जब शुरुआत हो जाएगी तब बता देंगे, माताएं कहती हैं कि समय आने पे बता देंगे। एक बड़ा मजेदार इंसिडेंस है, हम लोगों ने बात की चित्र की और ज्यादातर बात चित्र के संदर्भ में हुई, लेकिन भाषा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना चित्र की। मैं अपने अपने बेटी के स्कूल की कहानी बताता हूँ। उसे जब वो कक्षा 5 में पढ़ती थी और उसके स्कूल में एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर जो यहाँ की फेमस डॉक्टर हैं, बच्चों से महावारी के प्रिपेयरनेस के बारे में बातचीत करने गई थी। वो ये समय था जब अधिकतर बच्चियों का महावारी नहीं शुरू हुआ था और वो चाहती थी कि बच्चियों को इसके बारे में विस्तृत और सही सही जानकारी दी जाए, और उन्होंने वो जानकारी दी थी। लेकिन देखिए भाषा का क्या रोल होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में शायद उन्होंने एग की बात की कि वो कैसे फिलिपिन ट्यूब में वो अंडा या एग निकलता है, तो ये बात ओवरी से वो अंडा निकलता है और फिलिपिन ट्यूब तक पहुंचता है, अंडा और एग की बात हुई। अब देखिए बिंब क्या बनता है, चित्र दिमाग में बच्चियों के क्या बना, अंडा उन्होंने अभी तक कहाँ देखा था और क्या सुना था अंडे के बारे में, मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, यही जान अंडा जो वो खाते हैं आमतौर पे, जो खाया जाता है,
तो उसका चित्र उनके दिमाग में, उस अंडे का चित्र जो दिमाग में बन रहा था वो अंडा ही था, और वो सोचिए उसके दिमाग में, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जब वो खुलकर प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं है, तो जब वो मेरी बेटी घर आई तो उसके दिमाग में यही था कि एक समय आएगा जब उसके उससे उसे भी अंडा जन्ना होगा, मतलब उस वो भी अंडे देगी और अंडा निकलेगा उसके बॉडी में से, और वो अंडे का साइज उसने विजुलाइज किया था, वही अंडा जो मुर्गी का अंडा होता है। तो उसने मुझसे पूछा, ये एक अच्छी बात हमारे घर में है कि मैंने उसे खुद इस पूरे मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के बारे में जब चित्र द्वारा उसे समझाया तो उसने पूछा, पापा क्या सचमुच हम लोगों को अंडा निकलता है? तब उस पूरे प्रोसेस को फिर से, वो अंडा मुर्गी का अंडा नहीं, वो ओवरी में से निकलने वाला अंडा कैसा होता है और कैसा दिखता है और दिखता भी है या नहीं दिखता है, इस बारे में पूरी बातचीत, और उसका जो एक डर था, जो एक भ्रांति थी उसके मन में, उसको दूर करने के लिए तो सिर्फ चित्र नहीं भाषा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पैदा करती है। और अब तो मुझे लगता है कि चित्रों की बात अगर करें तो चित्र में जब से हमारे पास स्मार्टफोन आया है, जब से कंप्यूटर आया है, ऐसे भी जो नॉर्मल फोन आया है जिसमें आप आइकन्स में काम करते हैं, तो विजुअल लिटरेसी लोगों की काफ़ी हद तक बढ़ी है। लोग अब वो स्थिति नहीं रही जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हुआ करती थी। धीरे धीरे इसमें जो मतलब इसमें सुधार, मैं नहीं सुधार शब्द नहीं होगा, लेकिन अब विजुअल लिटरेसी अब एक हो गई है, जैसा शहर के लोग या जैसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जिन जैसे चित्रों को पढ़ पाते हैं, वैसा अब कई हद तक, कुछ हद तक अब जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझ पाते हैं। और भाषा की जहाँ तक बात करें, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वैसी लड़कियाँ जो बिल्कुल अनपढ़ है, यहाँ तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले स्कूल के बच्चियों के बीच भी भाषा का एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया। तो ये अलग अलग तरह के चैलेंज हैं जिनका हम लोगों को सामना करना पड़ता है। अगला स्लाइड देखते हैं। ये एक जबरदस्त एक भ्रांति जो सिर्फ लड़कियों में नहीं, ये शिक्षक शिक्षिकाओं में, फील्ड लेवल जो वर्कर्स हैं, जो वैसे लोग, उनमें ये सोच कि माहवारी जो है वो शरीर की गर्मी का निकलना है, और ये 91% तक शिक्षिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और 88% जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो ये कहती हैं कि ये जो शरीर की गर्मी है वो है माहवारी। तो ये सिर्फ मामला सिर्फ किशोरियों को समझाने का नहीं है, जो किशोरियों से जो रूबरू हो रहे हैं उनको भी बताने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे और क्या है, कोई नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक और, हम धोते क्यों हैं, कपड़े क्यों धोते हैं, उसके रीज़न जो उनके दिमाग में थे, वो उनका वो क्या सोच रहे थे कपड़ों के धोने के बारे में, कि शायद उससे कपड़ा इसलिए हम धोने की बात करें कि उसमें से दाग धब्बा निकल जाए, उसका महक निकल जाए। लेकिन सिर्फ 25% लोगों ने यह समझा कि कपड़े कीटाणु को मारने के लिए धोना ज़रूरी है, उसे धूप में सुखाने के भी आंकड़े कुछ इसी तरह के थे, जिसमें ये जो 86% लोग थे उसी तरह के लगभग वैसे ही प्रतिशत ये थे कि वो जल्दी सूख जाएगा, इसीलिए कीटाणु धूप में, कड़ी धूप में सुखाने से कीटाणु का खात्मा होगा, ये बहुत कम लोग जानते थे। तो इस स्टेज पे हम लोगों ने अपना इंटरवेंशन, अपना काम शुरू किया था जब लड़कियों के बीच स्थिति ऐसी थी, और लोगों की जानकारी का स्तर, उनके प्रैक्टिस का स्तर, उनके एटीट्यूड का स्तर कुछ इस तरह से जो है, वो कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं, चित्रों को लोग कैसे देखते हैं, वो उसकी भी चुनौती थी। और हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि चित्रों की ज़रूरत क्यों है, या इस तरह के किसी भी माध्यम की ज़रूरत किस लिए है। ज़रूरत समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ उसको खूबसूरत बनाने के लिए चित्रों का उपयोग हो रहा है, या किसी भी मटीरियल को हम
ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सचमुच वो एक असरदार मटेरियल है। और असरदार मटेरियल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें खूब सुंदर सुंदर चित्र बने हो। असरदार मटेरियल बिना चित्र के भी हो सकता है, बिना भाषा के भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो चुनौतियाँ भाषा की रही, चुनौतियाँ चित्र की तो हैं ही, चुनौतियाँ विस्तार की भी हैं। हो सकता है कि एक डिज़ाइनर के रूप में मैंने एक बहुत ही फैंसी, बहुत ही रोचक एक मटेरियल डेवलप किया, लेकिन क्या, और उसके पीछे आप, हम सब जानते हैं कि ये जो मटेरियल बनाए जाते हैं उसमें उन्हें किसी को इस्तेमाल करना होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्वयं इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूजर जो आपका टारगेट ऑडियंस है या यूजर उसे स्वयं पढ़ के देखता है या इस्तेमाल करता है। और अधिकतर मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ पे एक प्रशिक्षक उस मटेरियल के माध्यम से प्रशिक्षण देता है। हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि वो प्रशिक्षक कौन है। और जब हम विस्तार की बात करें तो चुनौती विस्तार की ये है कि प्रशिक्षण के दौरान आपने जो मानदंड तय किए हैं, आपने जैसा सोचा है, क्या वैसा ही प्रशिक्षण के दौरान उनके लिमिटेशन का आपने ध्यान रखा है कि नहीं। आप प्रशिक्षक नहीं हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर जब आप बात करेंगे और वो संख्या जब हज़ारों में लाखों में जब होगी, तब आपको ये समझना होगा कि उसे सरल होना कितना आवश्यक है। और प्रशिक्षण को, प्रशिक्षक को ध्यान में रखकर वो मटेरियल डिज़ाइन किया गया है या नहीं, इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो कॉस्टिंग, उसके मूल्य पे भी ज़रूर हम लोगों को बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वो, उसका मूल्य कितना है। जब वो डिसमिनेट होगा, जब उसको हम विस्तार उसका करेंगे, तो क्या वो अफोर्डेबल है कि नहीं, क्या उस तरह लोगों तक पहुँच पाएगा कि नहीं, वो सरल है कि नहीं जो सबके द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। तो इन चुनौतियों को ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ साथ बिना एविडेंस के, बिना जमीनी स्तर की सच्चाई को जाने हुए, ऐसे ही शहर में एक स्टूडियो में बैठकर तैयार किया हुआ मटेरियल कभी भी सफल नहीं हो पाता। तो इन बातों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। एक मुझे लगता है कि इसके बाद एक दो स्लाइड और होंगे, और उन्हें चाहें तो हम स्किप भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमिताभ जी, आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट ही बचे हैं आपकी। ठीक है, तो 2-3 मिनटों का इस्तेमाल अब कुछ दिखाने के लिए करते हैं कि एक इन सब बातों को ध्यान में रख के बिहार में एक छोटा सा प्रयोग, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हैं और उनके साथ जो वार्डन और शिक्षिकाएं होती हैं, वो आवासीय विद्यालय होता है और बिहार के हर जिले में है, तो हर जिले में होने का मतलब यह हुआ कि 38 कस्तूरबा, 38 तो जिले और जितने भी ब्लॉक, मतलब 526 ब्लॉक में ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। और उनमें जो बच्चियां हैं उनके लिए महावारी स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया गया। एनवायरमेंट बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई मटेरियल बड़ा अच्छा बनता है, किताब होती है, बहुत सारी किताबें हैं जो हैं तो बच्चियों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये किताबें पता नहीं किस कारण से ये अलमारी के बाहर निकलती नहीं। ये किताबें अलमारी में रख दी जाती हैं और जब कोई देखने आता है उस विद्यालय में, तब उन्हें दिखाया जाता, बड़े गर्व से दिखाया जाता कि आज भी वो किताबें सुरक्षित हैं, उन्हें इस्तेमाल भी लोग करें, ये ज़रूरी है। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये एक बॉक्स है जो पीछे भी आप मेरे, अगर आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये वही बॉक्स है जिसका चित्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक इंटरैक्टिव बॉक्स है जो कि कावड़ से कहीं ना कहीं, जो राजस्थान का कावड़ होता है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और हम ये जानते हैं कि थोड़ी सहजता बच्चियों के प्रति, जब बच्चियों से बातचीत करें तो थोड़ी सहजता हो बातचीत करने में, उन्हें पहले ही कोई एक झटका ना लगे और उन्हें वो बड़े सहज रूप से इस पर बातचीत कर पाए। तो एक कहानी के माध्यम से इस बॉक्स के द्वारा बातचीत की शुरुआत, और ये बॉक्स क्योंकि वो ऑफिस में रखा रहता है तो, और वो ऑफिस जनरल ऑफिस जैसा नहीं है जहाँ पे हर बच्ची आ सकती है, मिल सकती है वार्डन और शिक्षिकाओं से, तो वो खुद उत्सुकतावश पूछती है कि ये है क्या, ये है क्या, और ये इसमें क्या बना हुआ है, कैसे हो, और तब ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है।
इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि बिहार में आप सबको पता है, एक बार पीछे जाएंगे फिर इस पे आ जाएंगे, बिहार में पता है आप लोगों को कि यहाँ मिथिला चित्रकला बहुत ही प्रचलित है, मिथिला या मधुबनी की चित्र शैली। तो इस पूरे बॉक्स में उसी शैली का प्रयोग किया गया है और वहीं से चित्र बनती है। यहाँ से बच्चों से पूछा जाता है कि इसमें वो क्या क्या चित्र देख रहे हैं, तो बच्चियाँ बताती हैं कि ये लगता है कि ये कोई लड़की है जो जिसके हाथ में किताब है, ये लड़की है जो डोली पे जा रही है, इसकी शादी हो गई है, ये लड़की है लगता है इसको इसको बच्चा होने वाला है और ये बच्चा है। तो ये एक साइकिल है जो घूमता है और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाती है कि हम अभी इस स्टेज पे हैं, हम यहाँ पे हैं, इस स्टेज पे हैं। तो अब यहाँ से बात शुरू होती है और कहानी लंबी चलती है, मेरे पास समय कम है, तो इसलिए तब अब इस स्टेज को समझने के लिए फिर ये खुलता है, वो लड़की जो ये है, वो लड़की जो ये है, तो इसके बारे में बात होती है और हम ये समझते हैं कि जब वो छोटी थी तब कैसी थी और जब वो बड़ी हो गई तब कैसी थी और उसके बॉडी में फिर क्या क्या परिवर्तन हुए। अभी मैं थोड़ी जल्दीबाजी में बता रहा हूँ लेकिन ये बहुत इत्मीनान से बात करने वाली बात है। और फिर ये लड़की के बॉडी में जो परिवर्तन हुए उसको समझाने के लिए कि जब तुम छोटी थी तब तुम्हारा तुम्हारा शरीर कैसा था और धीरे 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 जब बड़ी हुई तब तुम्हारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए। और ये लड़कियां खुद बताती हैं, आप सिर्फ इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं और लड़कियां खुद बताती हैं। ये तो हुए कुछ बाहरी बदलाव जो छुटपन से लेके बड़े होने तक होता है और वो बदलाव की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, लेकिन हम उन बदलावों के बारे में जानते हैं। और कुछ अंदरूनी बदलाव जो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जब इधर का खुलता है तो शरीर के अंदर जो बदलाव है वो कहाँ पे होता है, वो एक जो बदलाव जो हमारे प्रजनन तंत्र में का बदलाव है उसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं, वो कहाँ अवस्थित होता है उसकी बात करते हैं। और फिर उसी का जो बड़े रूप से चित्रित किया हुआ जो एक डायग्राम है और उसमें फिर वो पूरी चर्चा की कैसे ओवरी से अंडा निकलता है और अंडा निकलने के अंडा जब निकलता है तब हमारे गर्भाशय को पता लगता है और एक कहानी के माध्यम से उसको कि कैसे गर्भाशय अपने नए मेहमान की तैयारी के लिए वो जो अंडा निकलता है उसको उसको एक बढ़िया एक खून की परत जमती है। और जब क्योंकि हम बच्चे हैं और अभी इस अंडे का हमारे शरीर में कोई काम नहीं, वो निकल जाता है और वैसी निकलने की प्रक्रिया को महावारी कहते हैं। तो अब इसके बाद महावारी की बात को समझाने के बाद और फिर हम आते हैं उनके खान पान पे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा सकते हैं कि उनका खान पान कैसा हो सकता है, इस दौरान उनको क्या खान पान रखना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं तिरंगे भोजन की, जहाँ पे लाल और पीले फल और सब्जियाँ, सफ़ेद आहार और हरी सब फल और सब्जियाँ। तो इनमें से हर कोई को हर खाने में कम से कम कोई एक चीज उसमें से रहना चाहिए। और फिर उसके जब हम बात करते हैं कि आप इस्तेमाल क्या करेंगी महावारी के दौरान, तो या तो आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करेंगी जिसको आपको एक बार इस्तेमाल करके उसको फिर डिस्पोज करना होगा, या फिर आप कपड़ा इस्तेमाल करेंगी और जब कपड़ा इस्तेमाल करें तो पहले बिल्कुल उसे साबुन और पानी से पूरी तरह धो लें और उसे धूप में अच्छी तरह सुखाएं और फिर ही उसका इस्तेमाल करें। तो ये एक मजेदार टूल के रूप में जिसे लड़कियां खुद करना चाहती हैं और एक दूसरे से चर्चा भी करती हैं और साथ में बैठ के खेल खेल में इस पे कहानियां भी बनाती हैं। कहानी बताने का समय मेरे पास नहीं रहा क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन एक ये एक उदाहरण था जो हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियों के साथ इसका इसको इस्तेमाल किया और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए, उनके जानकारी में, उनकी समझ में, उनके आत्मविश्वास में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। समय कम है नहीं तो उन लोगों ने एक एंथम बनाया था, बाद में अगर कभी मौका मिला तो उसको हम लोग देखेंगे। एक एंथम जो बच्चियों ने गीत बनाया और उसका एक वीडियो बनाया है वो बड़ा मज़ेदार है और उसकी भी एक कहानी है, बाद में उसके बारे में अगर समय मिले तो चर्चा करेंगे। पायल जी
आशा है कि मैं समय से बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा समय ना लेके कितना समय मैंने ज्यादा ले लिया मुझे बताइए और अगला आप अपने नहीं नहीं अमिताभ जी बहुत इतना इंटरैक्टिव था और आपने जब जब हमारा पिटारा खुला तब तो मतलब हमारे बिल्कुल आंखों में स्टार्स आ गए थे तो हम बिल्कुल समय एक पल को तो भूल गए थे लेकिन हाँ पर समय सीमा भी है। हम कोशिश करेंगे कि यदि हमारा सत्र क्रमबद्धता से चलता है तो हम क्वेश्चन आंसर्स के बाद समय जो जो बचता है उसमें एंथम और उसकी स्टोरी को जरूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अमिताभ जी, आपने बहुत ही सरलता से हमें बताया, रिसर्च बेस्ड बताया कि एक पूरी शोध के बाद क्या क्या चीजें निकल कर आई और फिर उसका इंटरवेंशन केजीबीवीज के साथ आपने किस तरह से किया। आपने बहुत ही खूबसूरत कावड़ प्रणाली का प्रयोग करते हुए बच्चियों के साथ कन्वर्सेशंस को शुरू करवाया और बहुत इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से कावड़ पद्धति में स्टोरी टेलिंग का कंपोनेंट डाला गया जो कि उसको और ज्यादा रोचक और ज्यादा इंटरैक्टिव बना देता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं दे विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड दे विल होपफुली डू द इंटरवेंशंस मोर एंड इनोवेट मोर विद द कावड़ पद्धति क्योंकि कावड़ पद्धति अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है। तो थैंक यू सो मच सर। अब हम अपने अगले स्पीकर को बुलाना चाहते हैं। हमारे साथ नवीन बागलकोट जुड़े हैं। आप एक डिजाइनर शोधकर्ता हैं, आप शिक्षक भी हैं और आप एक फैसिलिटेटर हैं जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी कि HCI डिजाइन, सहभागिता डिजाइन और समुदाय आधारित देखभाल के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। डिजाइन बेगू कलेक्टिव के द्वारा आप जमीनी स्तर के CSOs सामुदायिक संगठनों जैसे कि माया हेल्थ, जतन संस्थान, IT फॉर चेंज जैसे संस्थाओं के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, सहयोगात्मक डिजाइन और क्रिटिकल उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। तो नवीन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने द्वारा किए गए खूब सारे डिजाइन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव राइट हेल्थ और प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर आपने जो भी काम किया है हम सभी के साथ साझा करें। थैंक यू, थैंक यू जतन, लक्ष्मी जी यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं साउथ इंडियन हूँ, कर्नाटक से हूँ, तो हिंदी मेरा थोड़ा ऐसा वैसा है, बट आई हैव मैरिड अ पर्सन फ्रॉम UP, सो आई गेस थोड़ा बहुत तो बोल ही सकता हूँ हिंदी। बिल्कुल, और ये तो टाइम भी पूरा इंग्लिश वाला ही है कि पूरी हिंदी और पूरी अंग्रेजी समझने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल और मैं अभी कंग्लिश में भी बात करूंगा, थोड़ा कन्नड़ा भी ले आऊंगा बीच बीच में। पहली बार जब मैं एक्चुअली बायो लिखते हैं, हम तो यूजुअली एकेडमिक सेटिंग्स में लिखते हैं, मैं पढ़ाता हूँ सिस्टी में, आई एम टीचर देयर सिस्टी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, एंड व्हेन यू राइट दीज बायोज हम लोग सोचते नहीं कि ये कौन पढ़ता कौन है। हम लोग हमेशा इमेजिन करते हैं कि भाई हमारे जैसे कोई एकेडमिक ही पढ़ते हैं। तो पहली बार जब उसको हिंदी में सुना मैंने अपने ही बायो को, तो पता चला कि भाई मुझे फिर से लिखना पड़ेगा ये वापस। ये जो लिखा हूँ ये तो शायद किसी को भी नहीं समझ में आएगा, बट anyway, that's just me trying to be calm, because this is a very I would say I'm very humbled to be part of this, because यहाँ पे जो मेरे आसपास जो अभी शेयर किए हैं अमिताभ जी है या अभी लक्ष्मी मूर्ति आएंगे, उन्होंने तो मतलब 30 साल उन्होंने काम किया है, मैंने तो अभी शुरू किया है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैंने जो सीखा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू ऑल, एंड आई स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई विल ट्राई नॉट टू टॉक टू मच। मेरी मेरे जो बच्चा है वो हमेशा बोलता है कि शायद आप सबको सुना पड़ा कि रुक मी माय किड्स थिंग्स दैट आई टॉक अ लॉट, सो आई विल ट्राई नॉट टू टॉक अ लॉट। सो just give me a feedback if you all can see my screen and hear me properly. Okay, great, thank you. So today I'll be talking about a bit about this experiment that I and Lakshmi Murthy have been doing for 3 years, 2016, 17, 18, and we couldn't continue it further, but hopefully we'll continue after the
virus kind of hides away from us, or we become better at dealing with the virus. And I'm going to talk about how this whole design experiment, or call it as a design laboratory, and through that, what did we learn about our bodies, and what did we relearn about design? So the intention for me has been to take the design studio, so to speak, jo Amitabh ji bol rahe the ki studio mein kaam kiya jo cheez hai wo bahar jana chahiye. Mera ye manna hai ki along with that, mera ye manna hai ki studio ko hi leke jao. Institutions mein rehta hai ya corporate offices mein rehta hai ya koi design house mein rehta hai jo usually sheharon mein hota hai, usi ko nikal ke leke jao studio. Aur usse kya hoga ki designer kaun hai, ye bhi ek prashn khada ho jata hai. I'll talk a bit about our attempts to move the design studio outside institutions and make it part of everyday spaces that organizations like Jatin have created with a lot of care over 30 years, right? That's why you should not play with water, dear. So what I will do now is I'll quickly, sorry, not so sorry too. It's nice to always have me interrupted by my kid. So I'll just share my, I need to show a video. So my talk is divided into two parts. One is what we do in this design workshop, and then the second is what we learn. Okay, so what we have been doing is I have been taking my design students who are usually postgraduate design students. One of them today, Thompson, is going to share what he did learn later after, as soon as I finish talking. And I take about 15 to 20 of them to Udaipur, to Jatin, in their Hunargarh center. And we spend about 2 weeks there. But what I'm going to talk today is mostly about the five-day sessions that we do, where Jatin ke jo adolescents hai, jo Jatin jinke saath kaam karta hai, wo log aa jate hai, but 15 to 20 of the adolescents come there from all over their network areas. And I have my 15 to 20 design students. And what we do is 5 days of immersive workshop, a lot of fun stuff, but mostly about trying to learn our bodies and trying to relearn design, right? So that's the basic goal of these design workshops. So the idea is to create an imaginative space, ek space jo hai, jo safe hai, jahan pe hum apne aap ko bhool ke ya matlab hum apne aap ko jaan le behtar se, but also question our own assumptions, especially those of us who are coming from an urban design setting. We have a lot of assumptions about when we have to design for Bharat, ki Bharat aisa hai. But bhai, what does this Bharat tell us about design for us? What we have to learn is a big question. So I'll just quickly share about what all we do and then this video. But ye video Nikita ne banaya. Nikita is one of our student who was part of it. It's on YouTube. Please go and watch it. It's a beautiful video. I don't think she'll get to hear the sound, but I'm just going to use this video to show what we did. So we engage with a lot of learning about design also from very simple activities that Lakshmi has brought about. And I and my students learn a lot about design through this. And I'll come to some examples later what we learn in the second half. I'm just going to give, and then we do a lot of walks where we understand each other, because it's also important to get to know. And then we start understanding our context, and also about our, more importantly, our bodies. And this is, I guess, so we map our own bodies, we lie down, and we start understanding our bodies. And we do a lot of other exercises and activities that help us understand our bodies and where we're coming from. And the attempt is to create a safe space where we start question our notions of gender and our notions of bodies. So Abhi, one of the things that Lakshmiji has started to introduce is that we all sit and make the Uger pads, jo Lakshmi ji ka kaam hai, Uger, jo sanitary pads banate hai, cotton ke, reusable cotton, so washable pads. And so we all sit and stitch it as part of the activity. And yahan pe jo maine humne seekha hai ki ye jo stitching ke time na bahut sare questions uth jate hain, and this the activity of making, which is at the core of design,
the activity of making then opens up for conversation, just like Amitabh ji ka jo covered unhone dikhaya tha, which opens up for storytelling and questioning, and because we are focused on something, then it similarly it happens. And Padmini Ray Mure jo mere sath design deku mein hai, wo critical making karke wo karate hai ise workshop. This is an act of critical making, you know. So I just wanted to solve this. So it's a completely, you know, involved activity. Then what we do, and usually at the end of this, जब दो दिन लास्ट के दो दिन और एक रात जो बचा रहता है 36 आवर्स, अभी आजकल कॉर्पोरेट की दुनिया में हैकेथॉन करके शुरू हो गया है, आपने सुना होगा. दीज आर बेसिकली कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स ट्राइंग टू गेट यंगर पीपल टू डिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स. तो बढ़िया, हमारे गार्डन में बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है पीछे. सो what we do is we subvert this notion of hackathon, and we play around with it in these 2 days and one night, jahan pe we give the students a mixed groups a design brief. Har saal ek brief hota hai, aur wo mixed group wo design brief ko, design challenge ko approach karke, they'll have to produce a design imagination at the end of those 2 days and one night. So in this video, what we see, and this is we ask them to imagine a future 10 years from them to 2028, where menstruation is no more a taboo, where people who do not menstruate are also actively participate in management of menstrual hygiene and health. And then we gave them two pieces of cloth, and we asked them to reimagine the Ogier pad and how it will be in 2028. So and then they started. Typically, जो हमारे design के students होते हैं वो draw करते हैं, and then all. I'll come to that. What happened? And then what it went to is You can see a lot of interesting stuff also in the video, but I'll skip that. And then we started this sort of a fashion show. They had to stage it as a fashion show. So the idea is here that what we did was we also subverted the mainstream notions of what design is, fashion design, fashion show, and hackathons, and concept design. And we kind of tried to reimagine them into ways that so that we can learn about our bodies, but also we can rethink what design is. So this is about what we did. Okay, so Abhi, I will move on to what we learned quickly. So one of the things that came about is about these alternative imaginations of what could be possible. And this was a collective imagination, not just our imagination. And I don't think so we could have come at this if we had not done this together in a collective way where different kind of people come together. अभी अमिताभ जी ने अंडों के बारे में सुनाया था. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड इन 2017 वाज वी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू द ब्रीफ वाज वी इन सेफ स्पेसेस आर क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जतन एंड अमिताभ जी. यस, नाकामी से हाय टू एवरीवन. सो हाय टू एवरीवन. हाय. ओके, दे कांट टेल यू एनीथिंग, जस्ट से हाय. ओके, सो वी आस्क्ड देम टू अभी सेफ स्पेसेस में जितना भी वी लर्न अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, वी लर्न अबाउट नाइटफॉल्स, वी लर्न अबाउट आवर बॉडीज, बट हाउ कैन वी टेक दिस बैक टू एंड शेयर इट विद आवर पीयर्स एंड क्रिएट एन एक्सटेंडेड सेफ स्पेस. सॉरी, कोई मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जोश में चला रहा है. सो वी वॉन्टेड देम टू थिंक अबाउट दैट. सो बहुत दो तीन ग्रुप ने दे क्रिएटेड आइडिया ऑफ सेल्फ मेड यू नो व्हाट्सएप वीडियोज जो वायरल हो सके व्हाट्सएप में, जो बॉलीवुड गानों को उन्होंने ट्विस्ट करके डांस करके बताया. शायद आपको होपफुली यू मे एबल टू हियर द साउंड बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द साउंड. लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस. साउंड आ रहा है वीडियो का? नहीं आ रहा है अभी. आवाज नहीं आ रही है नवीन जी. ओके, फिर तो कोई अगर आप स्पीकर ऑन रखेंगे ना अपने कंप्यूटर से जिससे आप कर रहे हैं तो शायद हम सभी सुन पाएंगे. ओके ठीक है, सारे ऑडियोज ऑन रखने हैं. मेरा स्पीकर थोड़ा फटा हुआ है. लेट्स सी.
नवीन जी, हम यहाँ से वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से शेयरिंग बंद कर दीजिए, यहाँ से हम शेयर कर रहे हैं। क्या हो गया? हेलो, कैन यू रिपीट? ओके, लगता है वीडियो का कोई प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो शायद नहीं दिखाऊं, तो कम बैक। नवीन जी, हम लोग यहां से वीडियो शेयर कर रहे हैं अब। नहीं, कोई बात नहीं, वो ये बाद में हो जाएगा, एक दो छोटे वीडियोस है मैं आपको शेयर कर दूंगा एंड देन वो बाद में हो सकता है, विल मूव ऑन। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली फिर और एक, सो 2018 में जब हमने ये बात ना होंगे, सो 2018 में जब हम ये किया था, वी आस्क्ड देम टू रीइमेजिन अ फ्यूचर ऑफ अ मेंस्ट्रुअल वेयर पैड्स एंड वेयर मेंस्ट्रुएशन विल नो मोर बी अ टैबू, द व्हाट इमेजिनेशंस गॉट क्रिएटेड इज नॉट जस्ट कि भाई ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है, यूटोपियन वर्ल्ड है, बट मेरे हिसाब से ये क्या करता है कि इट ओपन्स अप अ पॉसिबिलिटी टू से दैट दिस कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है, एक आइडियलिज्म बिल्ड हो जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस टू बी ड्रिवन बाय सम सेंस ऑफ आइडियलिज्म। सो आई जस्ट आई हैव रिटन समथिंग, आई विल रीड थ्रू दिस। द लाइंस कार्व्ड इन एंड बाय बॉडीज, मेल फीमेल, मेंस्ट्रुएटिंग नॉन मेंस्ट्रुएटिंग, इमेजिनिंग एंड एनएक्टिंग द वर्ल्ड्स ऑफ एन एंड्रोजिनस मेंस्ट्रुअल क्लॉथ। एंड्रोजिनस मतलब जो जिसका कोई एक्सप्लिसिट जेंडर एक्सप्रेशन नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि उनका जेंडर क्या है। वो इनविजिबल टू द वर्ल्ड, एब्सॉर्बेंट कॉटन लाइनिंग्स, शेयर्ड ओपनली अमंग फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स, मोमेंटरली येट ब्लर द लाइंस डिसिप्लिनिंग बॉडीज, बाय नेचर एज दे क्लेम एच्ड इन आवर स्पिरिट्स फॉर लॉन्ग। सो हम लोग, आई मीन मुझे लगता है कि ये इन 5 दिनों में जो करते हैं ना, उससे हम लोग थोड़ा बहुत एटलीस्ट इमेजिनरी स्पेस में या एक सेफ स्पेस में, हम जो सोसाइटी ने हमारे ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड एंड स्टीरियोटाइपिकल रोल्स जो होता है हमारे बॉडीज के जो ऊपर जो इम्पोज किया जाता है, उसको थोड़ा हम लोग एटलीस्ट कंसेप्चुअली पुश कर सकते हैं, ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली। तो ये एक हमारा लर्निंग रहा। Then what we have learned is also about how design can be at a very rudimentary space, right? So one of the ideas that the teams did is that we will make these placards or cards to explain reproductive organs, and then we are sharing with our friends and siblings. But when an adult who has a closed view of things comes in, and we flip it and becomes a cow face or an elephant face. It's a very funny thing, but it has a power that brings about ki how we can be subversive, and the role of design in being subversive is very important, so that we can push back on the status quo that is imposed by patriarchal society slowly and over time. And now moving from bodies, I'll talk a bit about what did we relearn about design. So one of the things that we have asked them to imagine, that it's not only important to imagine an ideal world where you share your menstrual health, your videos, self-made videos or WhatsApp with your peers, but it's also important to imagine what kind of system will enable it to realize it. It's called as part of service design, system design, jo hum padhate hain. So and then we asked the students to imagine this and draw a system map, usually a map of the system as you see it in, and jo left side mein ho, that is drawn by the Srishti design students, and you can see how the notion of design in terms of an abstract conceptual activity is clear, right? Ki circles hai, pata nahi ki kahan pe hai wo circle with arrows and all that. Whereas if you look at on the right hand side, this is an image drawn by the adolescents from Jatin. And so the point here is not just ki unka representation alag hai, unka world view bhi alag hai, because what you see here is this forest area. It is where they go for grazing, and it is during that grazing time that they share videos or share things with their peers.
So for them, for this to be, to realize that they could create a safe space to share about what they learned about their bodies through WhatsApp, that grazing and that forest becomes an important actor. Without that, they'll have to find other spaces, other activities to do that. So this brings about a completely different worldview, Joik, one kind of perspective about things, which I think is missing from urban design school educated designers. And that's a question that I'll not go into, but it is something for, at least for me as a design educator, that we need to relearn what we know and consider as design. So, and another example before I close and open this up is, a lot of design हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई कोई problem है उसका solution ideas जो draw करते करो sketch करो visualize करो उसका एक अलग तरीका है process है और कहाँ से आया वो that's the entire history and I hope Lakshmi ji will talk about it in a bit but हमने what we saw is that the adolescents from Jatin love to work directly with the material. They were not scared of cutting something wrong or something going wrong, and that kind of affinity to the real than the conceptual was very strong. And that is something for us to relearn as design educators. So my point is that when we come together in this group, then what is important is ki it's not just an attitude ki hame उनको कुछ सिखाना है उनके बॉडीज के बारे में और डिजाइन के बारे में इट्स अदरवाइज द एटीट्यूड दैट वी गो विद इज लेट्स लर्न टुगेदर वी ऑल हैव होपफुली समथिंग टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड होपफुली समथिंग टू टेक टुगेदर एज कलेक्टिव एंड सो द होल आइडिया दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू इज टू हाउ डू वी क्रिएट दिस स्पेस सो दैट वी कैन लर्न अबाउट आवर बॉडीज एंड रीलर्न अबाउट डिजाइन सो एज आई क्लोज So you can reach out to me for more, but I just wanted to show this because this is the drawing by Rukmi about a uterus scanning machine. So one thing, irrespective of everything, one thing that has happened is how Maya and Rukmi's conversations about bodies and gender. So now I will stop sharing my screen. So part of this session now, it was very important for me not just to talk about what we have done, but also have two people to as a sort of to share what they have learned. So I have Thompson, who was a student of mine, recently graduated, and Javed, who was part of the same workshop, part of the same workshop 2018 mein. Javed is a Jatan ka bachcha hai. So they both will take a couple of minutes each to talk about what they learned in this workshop. Now, one point I just wanted to make clear is why I chose a non-menstruating people to talk about what they've learned in these workshops about menstrual health and hygiene is because I believe, and this is something that I learned from Lakshmi ji, that it's very important for people who do not menstruate to take more efforts to educate ourselves, but also to explore and work with organizations to see how we can help. So of course, sexual and reproductive health is not just about menstruation, but it is a core aspect. And then, so in what ways we can help? So I just wanted to make it as a symbolic gesture that, and it's important for us to share our learning so that this what I've done and what Thompson and Javed are going to talk, hopefully is for people who do not menstruate and who are here and who are going to listen to this talk. Thank you so much for this opportunity. And now I invite Thompson to share his learning. तो धन्यवाद नवीन आपने बहुत ही सरलता से हमें बताया कि आप जब डिजाइन के अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे तो जब आप जतन संस्थान में आए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ तब आप लोगों ने क्या क्या अनुभव किए आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को दो भागों में रखा जानकारी और लर्निंग और वो बहुत ही रोचक थी आप अपने ही इस अनुभवों को इन लर्निंग्स को बताने के लिए दो साथियों को इनवाइट करना चाह रहे हैं जिनमें से एक थॉमसन है जो डिजाइन के आपके स्टूडेंट रहे हैं और एक जावेद हैं जो रेलमग्रा के लोकल स्टूडेंट हैं तो आप दोनों का ही स्वागत करते हैं हम तो ये नवीन की ही प्रेजेंटेशन का एक भाग है तो थॉमसन अब हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपना माइक को म्यूट कीजिए और आपके अनुभव उस ट्रेनिंग के कैसे रहे थे और बताएं थैंक यू फायर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक
And a big shout out to Lakshmi ji and Naveen for hosting this amazing workshop which we did in 2018 September. So when me and my classmates, we came to Hunargar and we had an intention, and I also had a few years of industry experience before that. So the expectation was usually like, you know, we would have a design thinking workshop and we would figure out some very concrete problems and have some creative solutions to it. But when I got here, I realized I had very little knowledge about what menstruation is beyond what I read in textbooks. And I grew up in Mumbai. Besides my mother, who was the only person who used to go through this every month, and she had done an incredible job of, you know, not letting any of either me or my younger brother or my father know that she's going through this. And I had no context, to be very honest. At Hunargar, I found myself, you know, with my classmates and the local youth, in the midst of these discussions, Lakshmiji and Naveen created this safe space where we were talking about how internally the experience is different in different bodies, and how externally also the society and the communities that the people who are sharing the experiences from would look at it. And so we found differences in how things were perceived in different cities, in different rural areas, at different ages, in different life situations, before marriage, after marriage. And suddenly this whole concept of menstruation opened up, and I found myself being able to grasp little bit parts of it. But it was also a cue for me to step back and to understand and listen and be a part of this conversation versus trying to, you know, find that problem and give that solution. So we did a lot of activities, like I think Naveen mentioned, like we had a fashion show, stitching the pads. We walked around in the two villages nearby. We also watched some movies together, and we all and did all of these activities together, men and women together. Both the local youth and my classmates. To be very honest, I struggled to understand what creativity or designing would mean in this context. And it was very interesting to see through Lakshmiji's facilitation, like how the local youth, they had such amazing creative abilities, which, the design school educated students like us, we weren't able to clearly discern at the beginning. We realized that there's so many more ways of uncovering the problem, expressing what your approach is, expressing how you understand things, and then moving towards a desirable kind of solution. We spend a lot of time just stepping back. For me as a man, also to come into this context with so many of these privileges that I have, and to unpack these and to step out of the way and let the conversation happen, was a very conscious decision. I learned a lot from our friends at Hunargar, everybody we had a chance to work with, and also realized what we describe in design as a wicked problem. So menstrual health, hygiene and management being one such problem, and how challenging it is, simply incredibly challenging how it is to step out of the current context, to like get out of all of these stereotypes and perceptions, and to look at things more speculatively, and how we can imagine a positive and healthy future when it comes to menstrual health management. So it was an incredible, great experience, and I'm really thankful that I got an opportunity to do. धन्यवाद थॉमसन, आपने बताया कि जब आप हुनर घर में ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे तो आप डिजाइन को यहाँ कैसे समझोगे के बारे में आप थोड़ा सा असमंजस में थे. आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लिया था, जैसे कि गांव का ट्रांजिट वॉक करना, लोगों से बात करना और भी सारी गतिविधियां. इन सारी गतिविधियों से आपने अपने आप को चैलेंज में भी पाया कि
यहाँ डिजाइन को कैसे देखेंगे, और आपने ये भी समझा कि डिजाइन सिर्फ किताबें या क्लासरूम में तक सीमित नहीं है, और वो आगे जितना हम बाहर जाएंगे उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और डिजाइन के छोटे छोटे न्यूआंसेस को समझ पाएंगे. थैंक यू थॉमसन. आपने साथ में ये भी बताया था कि आपके साथ लोकल स्टूडेंट्स भी आपके साथ जुड़े थे, तो हम एक लोकल स्टूडेंट जावेद हमारे साथ जुड़े हैं. जावेद, क्या आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हो, और मैम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कैसे इस ट्रेनिंग में आ गए और आपने क्या क्या सीखा. तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय बताना चाहती हूँ. जावेद, आप 18 साल के हैं अभी और सासेरा में राजसमंद में रहते हैं, और अभी नाथद्वारा के जो सरकारी कॉलेज है वहाँ पे ITI फिटिंग के स्टूडेंट है, और सृष्टि के साथ आपने कुछ ट्रेनिंग की थी. तो मैं आपका टाइम नहीं लेती हूँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके आपका अनुभव कैसा रहा और क्या क्या सीखा और बाकी सब. जी मैम, मैंने जतन संस्थान में बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, जिसमें ट्रेनिंग पिछले साल एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें नवीन सर और उनके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी आए थे. उस ट्रेनिंग के माध्यम से नवीन सर ने हमें एक टास्क दिया था कि मान लो कि हम 50 साल आगे चले गए हैं और अब हम माँ भाई से खिंचकते नहीं हैं, और उसके ऊपर हमें फैशन शो करना है, और फैशन शो करो और ड्रेसे बनाओ. तो मैंने फैशन शो किया, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार फैशन शो किया था, और वो वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड है, और उस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताता हूँ वीडियो कैसा था. और मैं गांव में एक यूथ क्लब है, और यूथ क्लब में सभी मेंबर को महावारी के बारे में बताता हूँ, और महावारी के बारे में बताना जितना बताऊँ उतना अच्छा है. हेलो, धन्यवाद जावेद. जी मैम, आवाज नहीं आ रही है. आपने, हाँ ये बात सही है, जब हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो हमें खूब सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं. एंड आपने बताया कि पहली बार ही फैशन शो था जो आपने किया था, और कोई ऐसा वैसा फैशन शो भी नहीं था, इसमें तो थीम भी थी, और वो थीम ऐसे मुद्दे पे थी जिसपे बहुत कम लोग बातें करते हैं. ये पूरे जो हमारा वेबिनार चल रहा है इसका एक मकसद ये भी है कि हम इन सारे मुद्दों पे बात करना शुरू करें, और आप जैसे साथी हैं जो फील्ड में, थॉमस, जावेद, हम सभी साथी ऐसे ही हैं जो अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे और इस मुद्दे पे और बोलना शुरू करेंगे, जानकारियां देना शुरू करेंगे, और चुप्पी जो है उसको तोड़ना शुरू करेंगे. तो नवीन, आप इसको क्या समेकित करते हुए कुछ एक दो लाइनें बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट्स आपके साथ उस क्लासरूम में भी थे, और आप बोले, फिर उसके बाद हम अपने अगले स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे. अच्छा, ओके. मैंने तो ये समराइजेशन तो प्रिपेयर नहीं किया था, बट नहीं, एक्चुअली आप आगे आप बढ़िए, फिर वापस आ सकते हैं. थैंक यू. जी थैंक यू. तो अभी तक हमने अपने दो चार स्पीकर्स की बातें सुनी, जिनमें हम दो जमीनी और दो डिजाइन प्रोफेशनल्स की बातों को हम सुन पाए हैं. हमारे पास प्रश्न भी लगातार बन रहे हैं. साथियों, चैट्स का पूरा प्रयोग कीजिए. जो हमारे साथी यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप वहाँ पे चैट का प्रयोग कर सकते हैं. हमारे साथी वहाँ पे हिंदी इंग्लिश अनुवाद और प्रश्न लेने में पूरी तरह से सक्रिय हैं, और जूम पे भी हमारे साथी जो जुड़े हैं वो भी अपने सवाल लगातार बना के रखिए. ना सिर्फ सवाल, अगर आपके कोई प्रतिक्रिया है, आपको सत्र कैसा लग रहा है, या आपको कोई बात याद आई जो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी आप चैट्स पे लिख सकते हैं. तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आपसे लगातार और डायरेक्ट जुड़ पाएंगे. तो चलिए अब हम अपने अगले स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं. आप राजस्थान से हैं, मोनिका जी. हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप रेडी हो जाएं, अपना माइक वाइक ऑन कर लीजिएगा. मैं थोड़ा सा परिचय आपका देना चाहूंगी कि आपने अपनी मास्टर्स सोशल वर्क सब्जेक्ट में की है, और 1998 से आप प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, इसके क्षेत्र के ऊपर बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ करके आपने काम किया है. खास करके साल 2000 से लेकर के 2002 के बीच आप जब विकल्प डिजाइन के साथ जुड़ी थी, तो आप किशोर किशोरियों और इन
इन दोनों के साथ अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ आप जुड़े रहे हैं, जिनको आपने ना सिर्फ फैसिलिटेट किया बल्कि आपने इसका इसको बनाने में भी और इसके फील्ड परीक्षण करने में भी और कंटेंट रेडी करने में भी पूरी तरह बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह में आपका क्या अनुभव इस फील्ड में रहा है और आपके नजर में डिजाइन की महत्ता इस थीम पे क्या है। मेरी आवाज पहुंच रही है क्लियर? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अच्छा, सभी को नमस्कार। जतन संस्थान की तरफ से ये भारत दर्शन के जो कार्यशाला चल रही है, मैं इसमें तब से जुड़ी हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है घर में बैठे हुए भारत दर्शन करने का। कभी नागालैंड घूम रहे हैं, कभी उड़ीसा घूम रहे हैं और पता लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। बात थोड़ी पुरानी है, मैं 1998 में जुड़ी थी अर्थ संस्थान से, जहाँ पे आईसी मटेरियल वो लोग तैयार कर रहे थे महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य विषय पर। उनका मेन काम महिलाओं को, गाँव की ही महिला वॉलंटियर्स और दाइयों के साथ में उनका काम था। तो जब हम ये शुरू कर रहे हैं, क्या प्रचलित धारणाएं हैं वहाँ पे, क्या उन लोगों का प्रैक्टिसेस हैं, क्या भ्रांतियां हैं, वो सब जाना और बल्कि ये तक जाना कि लोकल नाम मतलब लोकल भाषा में क्या, जैसे माहवारी है तो हम बोलेंगे तो एकदम से कई बार समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे बोलते थे कपड़ा जाना। तो इस तरह की बातें हमको कई जानने मिली और हम पूरा उसको रिकॉर्ड किया, हमने पूरा रिपोर्ट लिया उसका और उसके बाद में जाके मटेरियल डिज़ाइन किया और उसके बाद उनके साथ में उसके फीडबैक भी लिया और फिर फेर बदल कर उसमें चित्र भी थे और लेखन सामग्री लिखित सामग्री भी थी। वो हम पुस्तकें थी, जैसे हम मैं फील्ड वर्कर थी तो मैं फील्ड में जाके वो पुस्तकें मेरे बैग में रहती थी और कभी भी जैसे हम लोग को गांव में जा रहे हैं तो चार महिलाएं भी मिली तो हम वहां बैठ के आराम से बात करते थे और लगा कि उनको काफ़ी मतलब फीडबैक बहुत अच्छा आया हमारे पास में। सन 2000 में जुड़ी मैं लक्ष्मी जी के साथ विकल्प डिज़ाइन के साथ में और वहाँ उनका मेन काम था कि किशोर किशोरियों के साथ में उनका कार्य प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर ही था, सेक्सुअलिटी और प्रजनन स्वास्थ्य। तो बहुत ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि बात करने के लिए हमको सोचना पड़ता है कि ये बात करें या ना करें या ये कुछ अजीब तो नहीं हो जाएंगे बच्चे। गांव के बच्चे थे ज़्यादातर, लड़कियां जब आती थी तो ज़्यादातर मैरिड थी, कई बार छोटी लड़कियां भी थी 8-9 साल की भी थी और वो शादी नहीं हुई है तो लेकिन मतलब रिश्ता पक्का हो चुका है उतना तक मतलब था उनमें। तो ये सब मतलब ग्रुप हमारा मिक्स ग्रुप रहता था तो उसमें हम लोग शुरुआत करते थे अपना उनकी शर्म तोड़ना ताकि शर्म ना फील हो, उनको एम्बैरेसमेंट ना हो किसी भी चीज़ को लेके। तो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी शुरू करते करते फिर हम आगे उनसे बात करते थे प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हमारे। जैसे कई बार OHP मशीन हम लोग दिखाते थे, OHP प्रोजेक्टर वगैरह, तो बच्चे डर के भागने लगे कि अरे ये क्या हमारा क्या एक्सरे निकालने वाले हो कि क्या करने वाले हो। कई किस्से हैं जुड़े हुए मज़ेदार से, लेकिन ये है कि आप धीरे धीरे जब एक उनका विश्वास बनता है, आप एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो बच्चे गांव से छोड़ के आपके ट्रेनिंग सेंटर आए हैं एक भरोसे पे, तो वो एक दोस्ती का रिश्ता बना के फिर उनके साथ में बात की जाती थी। मटेरियल तो हमने डिज़ाइन किया ही और वो मटेरियल भी जब हम यूज़ करते थे तो फीडबैक ज़रूरी हमारे को ये होता था कि क्या बच्चों को समझ में आ रहा है या क्या नहीं। और कई बार ट्रेनिंग सेंटर में जाते थे तो काफ़ी लोग जाते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, मैं समझती हूँ कि लिविंग जो सिचुएशन है हमारे, मतलब 3 दिन का हमारा प्रोग्राम रहता था तो उसमें कई बार आपको वैसी सुविधाएं नहीं मिलती कि बिजली भी होगी और उपकरण भी होंगे, कई बार तो बाथरूम्स वगैरह टॉयलेट भी उतने अच्छे नहीं होते थे। तो हम उस हिसाब से अपना हमारे को तैयारी रहनी पड़ती थी कि कोई चीज़ आप ज़रूरी नहीं कि आप OHP प्रोजेक्ट वहाँ पर दिखा सकें और आप उस पर अपना ट्रांसपेरेंसी दिखा सकें। तो उसके लिए हमने जैसे ये कांवड़ को हमने इसमें जैसे जैसे हम बढ़ते हैं या ये सुंदर सुंदरी हमने तैयार किया था, ये माहवारी चक्का है तो वो उनको दे देते थे हम लोग और फिर उस तरह से बातचीत करने में हमको आसानी होती थी। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, मैं बहुत शॉर्ट में बात करने का प्रयास कर रही हूँ। बस एक मिनट में फटाफट तो क्योंकि ये मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है, ये मतलब एडोलेसेंस के साथ में और खासकर जतन के साथ, बहुत अलग अलग NGOs के साथ में काम करने मिला लेकिन जतन के साथ रिश्ता हमारा कुछ अलग ही रहा। और कई बार इतना रहा कि मतलब आश्रम तक में जाके हमने ट्रेनिंग्स की हैं। तो
उसका फीडबैक मैं मतलब बच्चे हमको समझ में आ रहा है ये आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करके आते थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि दो तीन दिनों में विद इन ट्रेनिंग के 5-6 दिनों में हमको पोस्ट कार्ड्स मिलने लगते थे, बच्चों के फीडबैक हमें लगता था वो सबसे बड़ा वो था। मैं उन बच्चों को अगर वो वहां तक मेरी बात पहुंच सके तो मैं बताना चाहूंगी कि उनकी लिखी हुई चिट्ठियां मेरे पास आज तक सहेजी हुई हैं, मैंने एक फाइल बना के रखी है और उसमें मैंने मेरे मतलब बहुत ही मेरी यादें हैं जो कि मैं उनको पढ़ के मुझे एनर्जी मिलती है, मतलब बच्चों ने इतना अच्छा लिखा है। कभी शेर भी थे कि क्या मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, लक्ष्मी जी और मोनिका जी आपकी याद आती है दूर जाने के बाद, तो बड़ा ही बच्चों ने अपना बहुत ही मतलब इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में और बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब मुझे लगता है कि मटेरियल बहुत अच्छा होता है उनके लिए डिजाइन करना, लेकिन उनके फीडबैक इस तरीके से हमको मिलते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं वो लोग। मेरा बेटा है टीनेजर है वो, मैं उससे भी अगर कुछ इसी बारे में SRHR के बारे में मैं अगर मुझे बात करना होता है तो मैं वही मटेरियल यूज करती हूँ जो मैं रणवीर नाना लाल आरिफ मुदस्सर ये सब के साथ में मैं जो यूज करती थी, और वो मुझे उसको देख के लगता है कि अरे यार ये तो वही मतलब सब उसी में बच्चे याद आते हैं मुझे कि ये तो वही उसी तरह से बिहेव कर रहा है, उसी तरह से क्यूरस हो रहा है, उसी तरीके से शर्म भी कर रहा है। हम लोग खुल के काफी बात करते हैं लेकिन जो बच्चा है उसकी बेसिक तो नेचर है ही कि क्यूरियस भी है, थोड़ी शर्म भी आ रही है, माँ से भी बात करना है, वैसा होता है। बट मैं फिर से थैंक यू करना चाहूंगी जतन का और उन किशोर किशोरी जो मेरे दोस्त रहे जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि आज तक वो यादें मेरे पास सुरक्षित हैं और आगे भी रहेंगी। धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। थैंक यू मानिका जी, मतलब आपके जो अनुभव रहे हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि कितनी वॉर्म्थ के साथ आपने समय दिया है इस पूरी थीम को लेकर के, और बहुत सुंदर लगा हमको ये सुनना। और जब आप बता रहे थे कि जो चीज़ 10-20 साल पहले रेलेवेंट थी आज अपने बेटे के साथ या आसपास के युवाओं के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो जो मटीरियल तैयार हुआ था वो बहुत ही क्रॉस कटिंग था एज के बैरियर को, इसका मतलब उसकी रेलेवेंस तब भी उतनी ही है और उतना ही इफेक्टिव है जितना आज है। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है बनाने में इसका जो अनुभव लगा है वो आज भी काम आ रहा है। तो धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं आज के एपिसोड की आखिरी प्रस्तुति की तरफ। साथियों, हम आगे आने वाले एपिसोड्स में भी कोशिश करेंगे कि हम अन्य और विभिन्न थीम के साथियों को भी जोड़ पाएं, किंतु आज के एपिसोड के हम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं कि समाप्ति पे, ये हमारा आखिरी स्पीकर हमारे साथ जुड़ी हैं, लक्ष्मी मूर्ति जी हमारे अगली स्पीकर हैं। आप 1988 में आपने विकल्प डिजाइन की स्थापना करी थी और 2001 में आपने जतन संस्थान के सह संस्थापक रहे हैं। प्रेजेंटली आप लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डिजाइन स्टडीज के सदस्य हैं और आजीविका ब्यूरो के ट्रस्टी भी हैं। आप दृश्य समझ यानी कि विजुअल परसेप्शन एंड विजुअल लिटरेसी, इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा समझ रखती हैं, काम करती हैं, और उगेर सैनिटरी पैड के आप डिस्कवरर भी हैं, और आप इसको और अपने बाकी सभी कामों को आप कॉपी लेफ्ट रखते हैं ताकि वो समाज तक पहुंच सके। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपसे लेंगे, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हम आपको सबको सुनना चाहते हैं। सभी को नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? नवीन, मेरी आवाज आ रही है? अमिताभ, ओके, बढ़िया। तो सीधा मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले सबको थैंक यू बोलूंगी कि बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा सबके, और सीधा मैं स्लाइड शेयर में जाऊंगी, और प्लीज बताना अगर स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है। पूरा No, I've started sharing it. Is it visible? Is it visible to all? No, not yet. So, no, wait a second. Hang on. Just see if this is working. No, shall I just stop sharing? Sorry, some technical issues happening. Sohail, you've shared it? Yeah. Okay, great. There it is. Okay. Okay, great. शुरुआत में पायल ने ये स्लाइड लगाया था,
और मैं वापस शुरू करूंगी इन्हीं इसी स्लाइड से, क्योंकि जो सपोर्ट सोशल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो मैं कदम रखा था, जो सपोर्ट मुझे इन चारों से मिला, उसी के वजह से बहुत सारा काम हो पाया। और वेरी अनफॉर्चुनेटली तीन जने हमारे साथ यहाँ नहीं हैं, बट ये लाइफ साइकिल का, ये जीवन चक्र तो ऐसे ही चलता है, तो उसको ज्यादा हमको सोचना नहीं है और हमको आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। सोहेल, नेक्स्ट स्लाइड आप प्लीज लगाइए। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा हिस्ट्री बता दूं इंडिया के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या हिस्ट्री था। शुरुआत में हमारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इंडिया के अंदर बना था, वो बहुत ही विश्व में सबसे बड़ा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उसको माना जाता था। और 1952 के करीब हम दो, हमारे दो, या दो या तीन बच्चे, बस इस स्लोगन से बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन बहुत सारी कमियां भी थी इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर। और अगर आप इसको विस्तार में अगर आप देखने लगोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे प्रयास हुए थे। आप देख रहे हैं स्टैम्प, एक बहुत सुंदर सा स्टैम्प 1966 का इधर मैंने दर्शाया है, और उसमें देखिएगा कितनी सुंदर से परिवार को उन्होंने जो ये आर्टिस्ट कौन है ये मुझे मालूम नहीं, मुझे नेट पे मिला नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत सुंदर लगा ये स्लाइड, तो मैंने सोचा इसी से थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। तो 1968 में हुआ ये कि पहली बार मास कम्युनिकेशन का आइडिया निकाला जो हमारे सरकार ने। और ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, लाल ट्रायंगल जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये डिजाइन किया था डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्यागी जी ने, जो अभी अभी नहीं रहे। और ये आज तक ये जो चिन्ह है बहुत लोग इसको पहचानते हैं, लेकिन लास्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी कि आज की तारीख में इस चिन्ह की कैसे बदलाव हुई, बट 1968 में ये चिन्ह बनी थी। हुआ ये कि जब मिड 70s में बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ इंटेंसिव स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम हुआ था संजय गांधी का, और वो बहुत ही नेगेटिव गया, वो जो प्रोग्राम था वो बहुत नेगेटिव गया। और जब हम लोग काम पे उतरे थे, जब मैं उतरी थी काम पे 98-2000 में, उसका असर फील्ड में जरूर हम देखते थे। क्या नेक्स्ट स्लाइड आप दिखाएंगे सोहेल जी? इसमें मैंने दर्शाया है कि जो फैमिली प्लानिंग को प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितने सारे डाक टिकट भी लगातार पीरियोडिकली वो बनते थे। और कुछ डाक टिकट में वापस आप देख रहे हैं कि लाल चिन्ह आपको नजर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड सोहेल। ये थोड़ा सा मैं उदाहरण दूंगी आपको। 1981 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को एक प्रोजेक्ट मिला था, फैमिली प्लानिंग का प्रोजेक्ट मिला था, और उनका एरिया था भरतपुर, सवाई माधोपुर और कोटा। और इस एरिया के लिए उनको फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे सामग्री तैयार करने का प्रोजेक्ट मिला था। सो उस समय क्या था कि 81 में मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी वहां पे एनआईटी के अंदर, तो मुझे था कि प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे मालूम नहीं था, और उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं था। और ये बाद में बहुत साल बाद पता चला। वो इसलिए पता चला कि 1980 में जब मैं सामग्री तैयार कर रही थी एक एनजीओ के लिए, तो उस समय मुझे ये अंडरस्टैंड किया कि जो टिक्स एंड क्रॉसेस है, क्रॉस की जो गलत और सही का निशानी है, वही लोग समझ पाते हैं जो जिनको मौका मिला है स्कूल जाने के लिए। तो कई बार जो सही का निशानी है उसको हत्ते वाला लोटा समझते थे। तो इस तरह की जब ये शेयरिंग मैं करती थी एनआईडी में मेरे टीचर्स के साथ, तो उन्होंने याद किया कि 81 में हमारा यही अनुभव था। तो बाद में कुछ साल बाद हमने इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करी, और इसमें लर्निंग फ्रॉम द फील्ड करके एक किताब है, और उस किताब में अगर किसी को पढ़ना है, ये एनआईडी के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में 80s में क्या हुआ था, इसकी पूरी विस्तार में आप पढ़ सकते हो। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साथ साथ मैं ये भी बहुत सारे डिस्कवरीज भी करती रही। मेरे जो मैं डिजाइन करती थी, अक्सर लोग उसको समझते नहीं थे, और फिर मुझे महसूस हुआ हो सकता है कि मैं नहीं समझ रही हूँ, हो सकता है वे अपने नजरिया से डिजाइन कर रहे हैं। तो एक तरह से वो रिसर्च स्टार्ट हो गया। और उदाहरण के लिए जो पिक्चर नंबर 1 में आप देख रहे हैं, जो तराजू के निशान हैं, जो वेइंग स्केल्स जिसको कहते हैं, मैंने इक्वालिटी के हिसाब
इस चित्र को ऐसे भी इंटरप्रिटेशन होता कि ये बादल है और बादल के भीतर एक पेड़ है। तो विजुअल लिटरेसी, विजुअल परसेप्शन, हिंदी में इसको दृश्य साक्षरता या दृश्य समझ या नजरिया बताएंगे, तो ये अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है और इसमें कोई सही और कोई गलत कोई नहीं होता है। और साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो सिंबल्स है, जो हम सोचते हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये सबको मालूम होना चाहिए, वाकई में ये मालूम उन्हीं लोगों को होगा जो कॉन्टेक्चुअली उसको देखा होगा या जिसके साथ वो फेमिलियर है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो धीरे धीरे जैसा जैसा मेरे समझ बढ़ा, मैं लोगों से लोग क्या चित्र बनाते हैं उसकी एक संग्रहालय टाइप स्टार्ट किया और एक पिक्चर डिक्शनरी बनाने शुरू किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्योंकि टाइम के अभाव है तो मैं बता ही देती हूँ कि पिक्चर वन में ये मकान ऐसे लोग विजुलाइज करके ड्रॉ करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी ड्रॉ करना है तो एक गोला बना देते हैं पेट के भीतर, और अगर अबॉर्शन ड्रॉ करना है तो वो आप देख सकते हैं नंबर थ्री में, पिक्चर नंबर थ्री में वो कैसे ब्यूटीफुली अबॉर्शन को दर्शाया है उन्होंने, बॉडी के अंदर से कैसे खून आ रहा है वो बहुत सुंदर से उन्होंने बनाया है। पिक्चर नंबर फोर में आप देख रहे हैं कि खेत का चित्र है, कुआ का चित्र है। तो इस तरह के जब मैंने अंडरस्टैंड किया कि लोगों का देखने का नजरिया अलग है और उसको समझ के फिर मैं चित्र बनाने लग गई। तो ये आप देखेंगे कि हैंडपंप का जो चित्र आप देख रहे हैं वहां पे प्लान व्यू और साइड व्यू, जो डिजाइनर्स सुन रहे हैं वो इसको रिलेट करेंगे, ये प्लान व्यू और साइड व्यू मिक्स करके ये बनाया गया है, जो आर्ट के दुनिया में ये जनरली ये एक्सेप्टेड नहीं रहता है। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट में भी वापस मुझे सीखने का मौका मिला फील्ड से। नेक्स्ट प्लीज। अगर इस स्लाइड को आप देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव, तो वापस थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर अपन चलते हैं, 1997 में रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का गति पकड़ा, लेकिन सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत कठिन क्षेत्र है, बहुत डिफिकल्ट जोन्स है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करते हो कब आपकी बात अश्लील हो जाती है, कब आपकी बात फैक्चुअली लोग समझते हैं, ये बहुत बड़ी थिन लाइन है। और ये मोनिका जो अभी बात करी आपसे, ये सबसे अच्छा ये समझती थी, क्योंकि हर ट्रेनिंग के बाद हमारा यही होता था कि भाई बच्चे घर में जाके क्या बताएंगे, हमने यहाँ नंगा तस्वीर दिखा दिया लेकिन घर में जाके बच्चे क्या बताएंगे। तो ये मोनिका और हम बहुत उलझे हुए थे उन अर्ली डेज में, क्योंकि साउथ राजस्थान में बहुत बच्चियां, बहुत किशोरियां 16 ईयर्स के पहले ही शादी वो हो चुकी होती थी और सिर्फ गौना के लिए वो वेट करती रहती थी। तो समाज एक तरह से शादी जल्दी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब गर्भ निरोधक साधन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ भी और इंफॉर्मेशन उनको देने की जब बात आती है तो समाज फिर पीछे हट जाता है और उनको वो पसंद नहीं है कि हमारे बच्चों को इस तरह से आप बात बताएं। तो ये बहुत डिफिकल्ट और नाजुक जोन है। इसी स्लाइड में ये भी मैं आपको शेयर करूंगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम लेके उस एरिया को हम पकड़े, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, HIV भी है, यौन संचारित रोग भी है, महावारी है, स्वप्न दोष है, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स है। और ये सारे सब्जेक्ट्स को लेके किशोरियों को एड्रेस करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये जो एपिसोड हम सिर्फ महावारी पे फोकस कर रहे हैं तो ज्यादा हम थोड़ा महावारी पे बात करेंगे। तो सोहेल नेक्स्ट स्लाइड आप बताएंगे। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही हिस्टोरिक स्लाइड है, क्योंकि 2000 में हमने फर्स्ट हमारा कपड़े का सैनिटरी नैपकिन हमने बनाया था। उस समय लड़कियां अंडरवेयर का नहीं पहनती थी, अंडरवेयर मिलता नहीं था बहुत इजीली, तो ये लंगोट स्टाइल में ये डिजाइन हुआ था। और जैसा मोनिका ने अभी बताया था आपको कि 10 साल की बच्चा भी हमारे ट्रेनिंग में होती थी जिनका पीरियड्स अभी शुरू नहीं हुआ था, तो उनको कैसे, उनके साथ कैसे बनाना है, इसके लिए हम गुड़िया बना, बहुत सारी गुड़िया हम बना के ले जाते थे और छोटे छोटे मिनी पैड्स बना के भी ले जाते थे। तो क्लास के अंदर, वर्कशॉप के अंदर सब लड़कियों को ये कार्डबोर्ड वाली डॉल्स हम दे देते थे और कहते थे कि भाई पैड पहनाओ, तो ये इस तरह से वो इंटरैक्टिव हो जाता था। साथ ही IEC मटेरियल भी हमने डिजाइन किया, जैसे आप देख रहे हो महावारी चक्का, ये एक चक्का है और जिसको आप घुमा सकते हैं, जब आप घुमाते हैं तो पूरा पीरियड्स का आपका पूरा स्टोरी देखने को आपको मिल सकता है। और ये सारे इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैकार्थर फाउंडेशन से
ऑलमोस्ट 3 साल का मेरा फेलोशिप उनके साथ था, क्योंकि ये फील्ड टेस्टेड है, ये फील्ड टेस्टिंग करना, मटेरियल डेवलपमेंट करना बहुत महंगे प्रोसेस होते हैं, और ये सारे सपोर्ट मुझे फेलोशिप की वजह से मिला था. सोइल, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड में मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर किसी का प्रीवियस अनुभव हो किसी चीज में, उस अनुभव को लेके हम उस पर बिल्डअप कर सकते हैं. तो 81 के वापसी का जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने ये पाया था कि अगर हमको एनाटॉमी जैसी चीज हमको अगर कम्युनिकेट करना है, अगर हम परतों में इसको करें तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है. उसी कॉन्सेप्ट को हमने 2000 में मैंने यूज किया, और हम सुंदर सुंदरी में इसलिए आजकल के प्रोजेक्टर बहुत आधुनिक है. हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर को हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते थे, और उसके ऊपर हम प्लास्टिक शीट रखते थे जो प्रोजेक्ट होता था. और साथ ही मैं बता दूं कि कई जगह हमारी बिजली नहीं होती थी, तो सब सेटअप करते थे, मोनिका सब सेटअप करती थी, और जैसा ही हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी. तो ट्रेनर का भी बहुत कठिन परिस्थितियों से हम लोग ट्रेनिंग करते थे. नेक्स्ट, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. कावड़ शैली का अमिताभ ने पहले बताया, हमने भी कावड़ शैली का प्रयोग उस समय किया था 2000 के अंदर. और ये एक चित्र में आप देख रहे हो कि मोनिका ट्राइबल गर्ल्स के साथ ये कम्युनिकेशन चेंजेस इन द बॉडी का कम्युनिकेशन कर रही है. अब कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. उसमें क्या हुआ था कि ये जो कावड़ बहुत भारी होती है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है, तो ट्रेनर्स का ये सजेशन था कि इसको आप थोड़ी सी पोर्टेबल बनाइए, ऐसे बनाइए कि हम इधर उधर ले जा सकते हैं. तो इस उस समय जब इस तरह की बात चल रही थी, इस तरह की समझ जब हमारी बढ़ रही थी, एक डिजाइन स्टूडेंट हमारे पास आई, सारिका समदानी, और उसको वो स्टूडेंट थी, क्लासरूम प्रोजेक्ट था उसका, और हमने उसको ये काम दिया कि तुम जो ये बहुत भारी जो कावड़ है लकड़ी का, उसको कैसे भी करके उसको हल्का बना, और दिमाग लगा के तू पेपर में बना या जैसे भी तुम बनाओ. तो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे सारिका के फोटो, अगर टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये सारिका एंड वो बहुत समय से मेरे साथ जुड़ी है, 2001 से. वो अभी सिलीगुड़ी में रहती है, वेस्ट बंगाल में रहती है. जो बात अगर ने और सॉफ्टवेयर आजकल वो सॉफ्टवेयर अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, और मेरे जो यंग आईटी टीम यहाँ बैठे हैं वो स्माइल में, उन्होंने नहीं सुना है कि ये सॉफ्टवेयर होता भी है कि नहीं. और नॉन लिटरेट ऑडियंसेस के लिए ये सॉफ्टवेयर बना था, और सारिका ने सिर्फ दो इसमें फंक्शंस उसने डिजाइन किए, चलो और पीछे चले और भी यूज करते हैं ये exe फाइल. पता नहीं सारिका के पास है कि नहीं उसकी काम, लेकिन हम उसको बहुत बचा के उसको हैं. और ये विजनिंग, ये एक एग्जांपल है विजनिंग की, क्योंकि हमारा उस समय सोच था कि आगे ये आईटी सेक्टर बढ़ेगा, और हमारा जो कम्युनिकेशन का काम है जरूर मतलब आईटी से हमको जोड़ना पड़ेगा. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो पिक्चर डिक्शनरी से कैसे हम चीजें मतलब कुछ ट्रेनिंग एड हम बना सकते हैं. तो ये अबॉर्शन का एक एग्जांपल है. ये सारा हमारे वेबसाइट्स पे आप बाद में देख सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा समय इसमें मैं नहीं लगाऊंगी. राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ये झारखंड हेल्थ सोसाइटी के लिए 2008 में एक छोटा कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग बॉक्स हमने बनाया था, क्योंकि उस समय आशा वर्कर्स ने हमसे ये बोला कि बहुत बड़ा आइटम मत बनाओ दीदी आप, हमको हमारे छोटे बैग में ले जाके इधर उधर हमको घूमना पड़ता है, जितना हल्का हो उतना हमारे लिए ठीक है. तो इस बॉक्स के अंदर सारे जो परिवार नियोजन का सारे जो मेथड्स है वो इस डब्बे में उपलब्ध है. जैसे कॉन्डोम भी है, गोलियां भी है,
और सेफ डेज कैलकुलेशन करने का माला भी है और फलाना फलाना। नेक्स्ट स्लाइड्स है। साथ ही एक बहुत जरूरी चीज ये समझना इंटरेस्टिंग होगा कि टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। और इस उदाहरण में मैं बता रही हूँ कि महिलाएं वेट कर रही है मोबाइल वैन के बाहर, और ये हमारे लिए क्रिटिकल टाइम है क्योंकि वो ऐसे ही चैटिंग कर रही है, वेट कर रही है, गपशप इसलिए कर रही है क्योंकि उनका नंबर नहीं आया है अंदर एक्सरे का, तो वो अंदर जाके अपना एक्सरे कराने के लिए बाहर बैठी है, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर बैठी है। तो ये समय हमारे लिए कम्युनिकेशन का समय है। सो क्विकली हम पैम्फलेट्स इसमें बांटते हैं, दो तीन मिनट का डिस्कशन भी हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि जो पैम्फलेट्स हम जो चित्र बनाया है पैम्फलेट के ऊपर, वो विजुअल लिटरेसी और डिस्क्रिप्शन को देखते हुए ये बनाया गया है। और आपको लगेगा कि काला गोला आप देख रहे हो वो मून नहीं है, वो सन है, क्योंकि सन के जो रेस होते हैं ना, जो लाइन्स जाते हैं ना सन से सूरज से, तो वो एक लर्नेड कॉन्सेप्ट है। और जो ये स्कूल में हमको सिखाया जाता है कि सन गोला है और उसके चारों तरफ ऐसे रेस होती है। अगर हम स्कूल नहीं गए हैं और किसी को हम बोलेंगे कि सूरज का फोटो बनाओ, वो ऐसे गोला बनाएंगे और रेस नहीं बनाते। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड्स वेयर। सो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमने पिकअप किया और अनुभव ही सिखाता है कि हमको क्या क्या डिजाइन करना है और क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। तो सीधा हम 2012 का मैं एग्जाम्पल अभी दूंगी, जो उगेर पैट्स जतन संस्था में हाउस्ड है, वी हाउस उगेर पैट्स इन जतन संस्था। सो ये रियूजेबल सैनिटरी नैपकिन है, इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, इस पे 8 साल का रिसर्च हुआ है, कितने बार इसको धो सकते हैं, कितना साबुन इसमें लगता है, कितना बाल्टी पानी इसमें लगता है, सब हमारे पास पूरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। और ये सस्टेनेबिलिटी का मेजरिंग हमने बनाया है, टिकाऊ है कि नहीं, इसको नापना कैसा है, तो ये हम इस टूल से नापते हैं। और इस टूल को हम बोलते हैं पास टूल, पी मतलब पर्यावरण, ए हुआ आर्थिक, एस हुआ समाज और दूसरा एस हुआ स्वास्थ्य। सो ये चारों जो एस्पेक्ट्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी की, इसको लेकर हम ये पैड को डिजाइन किया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मावारी पे बहुत सारा काम हुआ है इतने सालों में। इसकी पूरी किट भी जरूरत होती है, क्योंकि ट्रेनर जब पुरुष ट्रेनर हो या महिला ट्रेनर हो, जब वो ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं किसी ऑडियंस के सामने, सारा सामान उनके पास होना चाहिए, एक अंडरवेयर भी होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर हमको उगेर पैड कैसे पहनना है बताना है, तो फिर उसके अंडरवेयर में जब तक आप बटन डाउन करके नहीं सिखाओगे, तो वो कैसे समझ पाएंगे आगे हमारा जो ऑडियंस है। तो उसमें आईस मटेरियल भी साथ साथ चलती है और सामग्री भी साथ साथ चलती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फॉर्म चॉइस दें ऑडियंस को, उनको मालूम होना चाहिए कि इतने सारे सामग्री उपलब्ध है हमारी मैनेज करने के लिए, और आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। तो ये होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं समग्र दृष्टिकोण, जो हिंदी में लिखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर, और थोड़ा सी आगे देखते हैं कि महावारी पे और क्या क्या काम जतन के साथ बहुत सालों से मैं कर रही हूँ। ये ट्रेनिंग्स के एग्जांपल है। वन है कि अरुणाचल के एक छोटा सा गाँव बोर्डुमसा जो बर्मा के पास है, उस गाँव का एक ट्रेनिंग है। नंबर टू में आप देख रहे हो कि राजस्थान की महिला दक्षिण राजस्थान की महिलाएं बैठ के पैड सिल रही है। थ्री में आप देख रहे हो कि ये सब डिजाइन स्टूडेंट्स हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के, और जब रूरल इमर्शन के लिए हमारे पास आते हैं सबसे मैं पैड बनवाती हूँ। और ये चौथा फोटो में सब पुरुष बना रहे हैं पैड, और ये मेंस्ट्रुएटर्स है, लेकिन पैड बनाने के बाद ये एक मेंस्ट्रुएटर को गिफ्ट करने का ये एक प्रक्रिया हमने स्टार्ट किया था। और ये मैसेज जाता है बच्चों से कि हम भी आपके साथ है, नॉन मेंस्ट्रुएटर्स भी मेंस्ट्रुएटर्स के साथ है। सो इंक्लूसिविटी का ये एक उदाहरण था। नेक्स्ट चलते हैं। अभी बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, अभी आखिरी ही हम टुवर्ड्स द एंडिंग ही जा रहे हैं। तो ये
कॉपी लेफ्ट का एक कॉन्सेप्ट इधर में इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमारा जो भी काम हमने मैंने किया है विकल्प डिजाइन के अंडर और अब मैं जतन में काम करती हूँ, सारा हमारा काम कॉपी लेफ्ट स्पेस में है। और कॉपी लेफ्ट जब बनाते हैं बिल्कुल ऑपोजिट है कॉपी राइट का, लेकिन उसका एक शर्त ये होता है कि अगर आपने किसी कॉपी लेफ्ट प्रोडक्ट आपने उठाया है और उसको आपने मॉडिफाई किया है और वो वाला आपके जो मॉडिफाइड वर्जन जो मॉडिफाइड वाला जो आपका आइटम है उसको आप कॉपीराइट नहीं लग सकते हो, उसको वापस आपको कॉपी लेफ्ट ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से जतन संस्था में अगर उगेर पैड है, बोर्डुमसा में उसको प्यो पैड्स बोलते हैं, प्यो मतलब हैप्पी, सिंगपोर भाषा में प्यो मतलब हैप्पी होता है, दीमा हसाव असम में उसको मोहर पैड्स बोलते हैं और वो बाजार में इस तरह से वो बिक्री करते हैं महिलाएं, और बाराबंकी में इसको स्मार्ट पैड बोलते हैं, और वाटर एड जैसे इंटरनेशनल एनजीओ ने इसको डिजाइन को उठा के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक पैम्फलेट पूरा एमपी में इन्होंने कॉपी लेफ्ट। अगर हर एक दो उदाहरण है जहाँ WSSCC है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कोऑपरेटिव काउंसिल, 2014 में उन्होंने मैंड्रिन फ्रेंच इंग्लिश हिंदी सब भाषा में चक्का को उन्होंने रीप्रिंट करके पूरा उनके प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका में और इधर उधर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। NCERT UNFPA 2012 में जब उनको लगा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग महावारी चक्का है, उन्होंने मुझे बताया कि इसको आप किताब के अंदर DIY जैसे बनाओ, डू इट योरसेल्फ जैसे बनाओ, ताकि टीचर्स उसको काट के फिर अपना खुद अपना महावारी चक्का बना सकती है। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव रहे हैं। अगर निजामुद्दीन बस्ती के प्रोजेक्ट आगा खान के जो अगर हम देखें, सारा जो हमारा कम्युनिकेशन का जो भी एड्स थे हम बहुत ही आसानी से रिसोर्स बुक के अंदर ही हमने इसको डाल दिया है। स्लाइड ओके बहुत सारे आसपास का what I mean in English is that there are many, many things that we do around menstruation. There are many projects that happen around menstruation. Sorry, मैं हिंदी में वो ठीक से नहीं बता पाई। साध्वी ठुकराल एक स्टूडेंट पर्ल अकेडमी से 2012 में ब्लाइंड गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुअल किट बनाया और उसमें बहुत सुंदर तरीके से स्लेट्स तो ये सारा उभरा हुआ उभरा हुआ फिगर्स है ताकि हम उसके ऊपर हाथ फेरा के आराम से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा शरीर का बनावट है। साथ साथ आप देख रहे हो कि इसमें ब्रेल में ही किताब है बाजू में, तो वो अगर आप पढ़ भी सकते हो और आप उसको फील करके आप समझ सकते हो कि महावारी का प्रोसेस कैसे होता है। और ये मॉडल भी आप देख सकते हो, इसमें जो मैक्विन है एक्चुअली वो लाइव मतलब उसका अंडरवेयर उतार के कैसे पैड पहन सकते हैं, कैसे हम टैम्पोन पहन सकते हैं, ये भी इस मॉडल में ये सुविधा है। नेक्स्ट प्लीज। ओके जस्ट जज एक स्टूडेंट, इनफैक्ट उसने भी शायद ग्रेजुएशन अभी अभी किया होगा, उसने ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट से है, अहमदाबाद आई थी वो एक्सचेंज प्रोग्राम में, फिर हमारे पास पहुंच गई और फिर उसने एक बहुत सुंदर तरीके से हैंड ऑपरेटेड वॉशिंग डिवाइस बनाया जिसको वो मैना बुलाती है, और इस प्रोजेक्ट के लिए उसको स्टूडेंट डिजाइन अवार्ड भी मिला है। उसने व्हाट्सएप मुझे किया था तो मुझे मुझे अच्छा लग रहा है कि उसने शेयर किया और मैं आपके साथ वापस शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है ये वाले, और ये उसने प्लास्टिक बॉटल को मॉडिफाई करके बहुत सुंदर ब्लेड बनाया, उसको जैसे घुमाते हैं बहुत अच्छी तरह से अपना कॉटन पैड धुल जाता है, और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड पूरा है। सो या सो दीज आर सम ऑफ द एफर्ट्स दैट गो अलोंग विद यू नो द मेजर वर्क दैट यू आर डूइंग, बिकॉज़ स्टूडेंट्स वर्क ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एनर्जी, दे ब्रिंग इन न्यू लाइफ, एंड सो इट्स वेरी यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू शेयर हाउ यू नो मेंस्ट्रुएशन प्रोजेक्ट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड इन दिस वे। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड एंड आई कांट रिमेंबर व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड इज वेल ओके This is the work of Gayatri Atur. वो जतन संस्थान में छः महीने से ज़्यादा हमारे साथ स्पेंड उसने किया था, बहुत काम उसने किया, लेकिन मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल आपके सामने बता रही हूँ। ये पोस्टर मैन इन मेंस्ट्रुएशन का पोस्टर था जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने भेजा था इसका एंट्री, और वी जस्ट यू नो वेरी ब्लेस्ड दैट शी गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल्ड कोपाशा एंड राइट
this is a production manual, which is a very, very detailed production manual. जो अगर कोई SHG group अपना महावारी का यूनिट अगर उनको स्टार्ट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट टू एंड इसमें इस किताब के अंदर है, जो गायत्री ने बहुत ही पेनस्टेकिंगली बनाई. She has also graduated and she is now working for a graphic design company in Bangalore. So can we have the next slide, Sohail? So I will now, you know, close the loop with this last slide. And from 1952, जो हम दो और हमारे दो दो या तीन बच्चे बस और इस तरह से हम उसको देखेंगे और वापस हम 2020 में जाएंगे तो हम देखेंगे कि messages भी हमारे बहुत बदले हुए sensitive messages हो गए हैं जिसमें अब यहाँ देखेंगे जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फादर इज ऑल्सो ब्रॉट इन टू द सिंबल एंड इट्स द सेम सिंबल, इट्स द सेम रेड ट्राइंगल एंड विद इन इट दे हैव अ मदर, अ फादर एंड अ लिटिल बेबी. सो यू नो दीज थिंग्स जस्ट मूव एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिस्टोरिकली कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैसे महावारी का जो काम जो जर्नी हुआ है इतने इतने सालों में, कैसा वो you know, like a river, it keeps meandering over here and there. So I don't remember what the last slide is. Sohail, will you just tell us? Oh, okay. So this slide is more or less a summary slide, and सारी बातें हो चुकी है इसमें. तो just to summarize, sensitivity की जरूरत है, cultural appropriateness की जरूरत है, संदर्भ के बारे में थोड़ा सा मैंने share किया था. ये भी बताया था कि कोई universal language नहीं होता है. Field testing का महत्व क्या है, और सबसे सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में कि ये अकेला व्यक्ति नहीं करता, ये हमेशा टीम है. तो अगर मेंस्ट्रुएशन वर्क में अगर मैं इतना आगे हम लोग कर पाए कुछ, इट्स बिकॉज देयर इज अ टीम वर्किंग अलोंग विथ मी. टीम को बहुत दुखी करती हूँ मैं, वो बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो बैठे हुए हैं मेरे साथ, स्माइल भी कर रहे हैं और उनको रो रो के मार मार के, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है. और या सो दैट्स हाउ इट गोज. सो होलिस्टिक इंक्लूसिव यू नो विजनिंग थिंकिंग अहेड कॉपी लेफ्ट, ये सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन के अंदर. और इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ. आई होप कि मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया. बाय पाये से पूछूंगी कि पहले क्वेश्चन आंसर्स होगा कि पहले संजीव जी समराइज करेंगे, ये पाये डिसाइड करेंगी. Summarize is first because he has to go. Yeah, so I'm thinking that Payal, I'm thinking that I think Sanjeev said he had a class, so I'm suggesting that let Sanjeev summarize and then we can throw it open for questions. Is that all right, Sanjeev? वाओ. तो मतलब ये जो वीकेंड की शुरुआत बहुत ही मतलब बहुत ही लर्निंग्स के साथ रही है. हमारे सारे स्पीकर्स ने खूब सारे फ्लेवर्स हमको दिए हैं. तो संजीव जी, हम अब आपको इनवाइट करना चाहते हैं. बहुत अनफेयर है कि आपको कम टाइम मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से कम समय का पूरा पूरा प्रयोग करेंगे. तो आपके हवाले आज का पूरा समय कर संजीव जी आप बोले. इससे पहले मैं आपका छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि 25 साल से भी अधिक अनुभव के साथ आप एक डिजाइनर हैं, एक शिक्षक हैं और एक शोधकर्ता हैं. आप NID के पूर्व छात्र रहे हैं और डिजाइन शिक्षा में आपने PhD प्राप्त करी है. आप क्लाइंट्स हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, चाहे सरकारी लोग हो, चाहे CSOs या गैर सरकारी संगठन हो, इन सभी में अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं. और एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आपने भारत और विदेशों में डिज़ाइन की जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप शामिल रहे हैं. एंड आपका बहुत सारा इंटरेस्ट जो रहा है वो डिज़ाइन एजुकेशन और सोशली रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अराउंड रहा है. तो आपके अनुभव आज का सत्र, दोनों का समागम मैं आपको इन्वाइट करती हूँ. संजीव जी. धन्यवाद पायल जी. मेरे पास अभी कितना समय है हाथ में ये बता दें मुझे, मैं कोशिश करूंगा उसी में अब समाप्त करूंगा पूरा. आप मान के चलिए कि आप 5-8 मिनट ले सकते हैं. धन्यवाद. आराम से. सबसे पहले
मैं सारी सहयोगी संस्थाएं और टीम, पायल जी, स्मृति जी, ओम जी और बाकी सारी टीम सबका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूरे पूरे प्रोग्राम का, पूरे सत्र का इतने अच्छे से संचालन किया। खास तौर से मैं धन्यवाद दूंगा कैलाश जी को, अमिताभ जी को, नवीन जी, थॉमसन जी और जावेद जी, मोनिका जी और लक्ष्मी जी बोलूं या लक्ष्मी बाई बोलूं, क्योंकि जिस तरह से वो अपना पूरा काम करती हुई आई हैं, इन सभी की जो बहुत गहन और भाव गर्भित जो प्रस्तुति थी, ये हम सभी श्रोताओं की ओर से इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रस्तुति के माध्यम से एक चीज और मैं सामने लाना चाहता हूं कि जो जमीनी स्तर पे जो कुछ प्रोफेसर्स जो न सिर्फ लक्ष्मी जी को प्रेरित किए पर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी होगी, उसमें से मैं भी एक हूं, तो प्रोफेसर अशोक चैटर्जी, प्रोफेसर एनपी रंजन, प्रोफेसर विकास सातवलेकर और विजय जोशी जी, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इन सब का जो योगदान रहा है इस पूरे जर्नी में बहुत सारे लोगों के लिए, उसको उसी से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत हर्षित हूँ। अब खास तौर से जो कैलाश जी ने जो शुरुआत की उसमें जो उन्होंने जो एक बहुत अहम बात कही और जो मुझे बहुत जरूरी लग रहा है कि मैं वापस उस बात को दोहराऊं, वो था कि अनजाने में हम लोग किस तरह की मानसिकताओं की तैयारी कर लेते हैं, हम लोग चाहे या ना चाहे हम लोग किस तरह से मानसिकताएं बनाते हैं और दूसरों के ऊपर में उसकी नींव भी डालते हैं। तो इसके बारे में न्याय और अन्याय की बात हो चाहे और भी इससे जुड़ी हुई सारी बातें हों, इसके बारे में हमें क्यों ध्यान देना जरूरी है। अमिताभ जी ने जो चित्रों के साथ भाषा की जो बात की, मेरे ख्याल से ये जो चुनौती और महत्व, भाषा और चित्रों की चुनौती और महत्व, ये जो बात है ये सारे डिजाइनर्स के लिए, क्योंकि ये सत्र जो था खास तौर से डिजाइनर्स के लिए फोकस किया हुआ था, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि सिर्फ एक सुंदर प्रस्तुति या कुछ सजावट के साथ कर देना ही डिजाइन को मान लेना, ये बहुत ही डिजाइन को छोटे रूप में देखना होगा और इसको किस तरह से हम लोग गहराई तक, आगे तक ले जा सकते हैं, इसमें किस तरह से जो पूरी कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, उसमें जितने भी चीजें जुड़ती है उन सब का महत्व जिस तरह से अमिताभ जी ने कहा, प्रस्तुत किया और फिर उसको नवीन जी आगे लेकर गए, ये हम सभी डिजाइनर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बात रही है इस पूरे सत्र में। इसमें जो नवीन जी ने खास तौर से जो एक बात कही, जिन लोगों को महावारी आती है और जिन लोगों को नहीं आती है, दोनों को एक साथ समझाना जो उनका उद्देश्य था और जिस उद्देश्य से वो एक आईटी या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इन सब के विषय के छात्र छात्राओं को भी साथ लेकर के आए और ऐसे एक मुद्दे पर लेकर के आए जो शायद जैसा थॉमसन ने बताया कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के मुद्दे पे उनको काम करना होगा और इस तरह की बात करनी होगी, लेकिन ये जो दुनिया को देखने का तरीका और उसको प्रस्तुत करने का तरीका, इसका जो अलग अलग ढंग है शहर में और गांव में, उन सभी चीजों को जो एक साथ लाना और एक शहरी शिक्षा की सोच से अलग जो गांव को जो हम लोग जो अलग अलग मानते हैं, उसको किस तरह से उन्होंने कितने सुंदर ढंग से अपने कोर्स के माध्यम से और अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से और उनकी जो इंटरेक्शन थी, उनकी जो एक दूसरे के साथ जो काम किया, उसकी जो प्रस्तुति की, वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके लिए जो उन्होंने थॉमसन और जावेद को प्रस्तुति करने के लिए चुना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने खास तौर से जो नॉन मिनिस्ट्रेशन पार्टनर्स हैं उनको सामने ला के उनकी बात को रखने का प्रयास किया।
और इससे साफ जाहिर है कि इस तरह के प्रयासों से जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गांव के हो चाहे शहर के हो, कुछ बातें तो से बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल और सेम है, और इसको इन सब प्रयासों के माध्यम से झकझोरने का बहुत अच्छा मौका मिला इस चीज की प्रस्तुति नवीन जी ने बहुत अच्छे ढंग से की, और इसको देख के बहुत आनंद भी आया, और झकझोरने के बाद में दुनिया को नए तरीके से देखने का मौका भी जो जावेद ने और थॉमसन ने जो प्रस्तुत किया, इसका महत्व साफ जाहिर है। मोनिका जी ने जो आईसी मटेरियल की तैयारी और किस तरह से उसकी पूरी प्रक्रिया और उसके अनुभव को कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, और जो खास तौर से फीडबैक का महत्व, जो सिर्फ जिनके लिए हम डिजाइन करते हैं वो ही नहीं, जो डिजाइनर हैं उनकी जिंदगी में ये सारे जो इंटरेक्शन होते हैं उसका जो महत्व है, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर और दिल को छू जाने की तरीके से प्रस्तुत किया कि उन्होंने, उनके पास अभी भी वो पत्र संभाल के रखे हुए हैं, वो एक बहुत सुंदर सी दिल को दिल में खुशी देने की बात मुझे लगी। और लक्ष्मी बाई का तो कहना ही क्या, इन्होंने तो पूरे इतिहास को जिस तरह सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, मेरे ख्याल से आज जो लोग भी इस प्रेजेंटेशन में आए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे जूम के माध्यम से, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, या तो पहली बार देखा होगा उन्होंने और या फिर उनके लिए एक रिफ्रेशर हो गया कि जो बहुत सारी पुरानी बातें जो इधर उधर भूल गए हैं वो सब उन्होंने समेट के, और कहाँ कहाँ से स्टैम्प से लेकर के ड्रॉइंग स्केचेस सबको इतने सुंदर ढंग से इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये अगर वीडियो बाद में भी यूट्यूब में उपलब्ध होगा तो लोग इसको देख के इसके बाद में इससे और भी इसको दोबारा से इसमें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो लोग आज इसको देख नहीं पाए। उन्होंने इस पूरे तरीके में जो दिक्कतें आई हैं उसके बारे में भी बहुत गहराई से प्रस्तुति दी। ये खास तौर से डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छी सीखने की बात है, क्योंकि जो भी डिजाइनर्स अलग ढंग से खास तौर से जमीनी तौर पे काम करना चाहते हैं, उन्होंने इसमें सबसे जो अहम बात है जो बार बार सिर्फ लक्ष्मी नहीं बाकी सब प्रस्तुतकर्ताओं ने जो भागीदारी की जो बात है उसकी जो महत्व है उसको जो उसकी जो बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति की, ये हम सब डिजाइनर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ से इस प्रस्तुति से हम लोग लेके जाना चाहेंगे। इसमें ये देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई कि सिर्फ जिन लोगों के लिए किया है और जिन और लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो सारिका हो, चाहे साध्वी, जैस, गायत्री या फिर लाइक उनकी बनाई हुई चीजें मैना या उसकी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको किस तरह से उन्होंने समेटा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, या तो हम लोग जिनके लिए बनाए हैं उनको भूल जाते हैं या फिर जिन्होंने बनाया है उनको भूल जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने सबको याद करते हुए एक साथ सबको प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं उनको बहुत उनका साधुवाद करना चाहता हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उद्देश्य और लक्ष्य है हमारा, वो चाहे कितना भी सही हो, और यही सारी बात मुझे समझ में इस प्रस्तुति के माध्यम से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी कि चाहे हमारा उद्देश्य और लक्ष्य कितना भी सही हो, लेकिन जब तक उसका तरीका और रास्ता दोनों को हम लोग सही ढंग से तैयार नहीं करते हैं, तो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में या हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। और किस तरह से कितनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी इन सभी डिजाइनर्स ने जो अपनी प्रस्तुति की, किस तरह से उन सभी दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने किस तरह से अपनी डिजाइने बनाई और किस तरह से उसको जमीनी स्तर तक टेस्ट किया, लेके गए, और उसका जो फायदा है, उसकी जो उपयोग है, वो सभी
जमीनी स्तर पे सब लोगों को प्राप्त हुआ, ये एक जीता जाता एक प्रस्तुत जीता जाते एग्जाम्पल्स हमने आज देखा इस प्रस्तुति में। और एक और खास बात जो इस प्रस्तुति में जो सामने निकल के आई कि जिस तरह से हमारे उन प्रोफेसर्स, उन लोगों का नाम जिनके साथ हमने इस प्रेजेंटेशन को शुरू किया आज, जिस तरह से उन लोगों ने ये बीज बोए थे और आज वही डिजाइनर्स सामने खड़े हैं एक बड़ी छायादार वृक्ष की तरह। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट्स, चाहे वो जतन संस्थान में आ रहे हैं, चाहे वो और बाकी डिजाइनर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे नवीन जी लेके आ रहे हैं, चाहे वो निर्मा के स्टूडेंट्स हो, NID के हों, IISED के हों, और कितने सारे डिजाइन स्कूल के स्टूडेंट्स जिनको कंटिन्यूसली जतन, लक्ष्मी और बाकी सब लोग होस्ट करते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं नई बीज बोने का, जो आगे जाके बड़े वृक्ष की तरह फैल के और छायादार जंगल बना सकेंगे हम लोग। इसी सोच से ये सब हो रहा है और ये सामने आ रहा है। तो मैं बहुत हर्षित हूँ ये सब देख के, और धन्यवाद आपने जो मुझे समय दिया इस चीज को पूरा समाप्त करने के लिए। और मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद संजीव जी, बहुत ही सीमलेसली आपने पूरे आज के एपिसोड को एक माला में पिरोते हुए हम सबको बताया। सारे छोटे छोटे न्यूआंसेस, छोटे छोटे जो बारीकियां थी आज की प्रेजेंटेशन में, उन सभी को आपने समेकित किया बहुत ही खूबसूरती से। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ये एक स्पीच, एक अपने आप में एक स्पीकर से कम नहीं था, बहुत ही खूबसूरत था ये। धन्यवाद आपका, धन्यवाद हमारे सभी स्पीकर्स का। अब हम अपने आज के आखिरी सत्र पे चलते हैं और हम ज्यादा समय ना लेते हुए इसको जल्द ही समेकित करते हैं। मैं स्मृति जी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि हमारे चैट्स पे कुछ सवाल हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, हमारे साथियों ने पूछे हैं, तो स्मृति जी हम आपको इनवाइट करते हैं और हमारे स्पीकर सब रेडी रहिएगा, और जिनके लिए जो सवाल आएगा हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और उसका जवाब दें। तो स्मृति जी। थैंक यू पायल। मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मुझे यकीन है कि बहुत सारे सवाल होंगे आज। देयर मस्ट बी मेनी क्वेश्चंस यू ऑल हैव फॉर ऑल द स्पीकर्स दैट हैव स्पोकन टुडे। सो आई इनवाइट यू ऑल टू ईदर पुट योर क्वेश्चंस इन ए बॉक्स or you can raise your hand and we can invite you to ask your question. सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सवाल हमारे पास आए हैं। पहला सवाल थॉमसन के लिए है। थॉमसन आप सुन रहे हैं हमें? अच्छा, थॉमसन नहीं है तो दूसरा सवाल मैं वो सवाल भी पढ़ी देती हूँ। थॉमसन के लिए ये सवाल आया था, when you were interacting with young people from Hunargarh, what kind of mental models did you identify which stemmed in the rural society which was different from your own? Naveen, even you are free to take that question. Sure, I think Thompson had to step up. To understand what kind of mental models did you identify when your students were working in Hunargarh that were different in this rural society from your own? Right. Thompson, can I answer? Naveen, you're on mute, I think. No, I'm an unmute. I can. Can you hear me? Okay. So what I was saying is Thompson had to step out because his job was calling him. But I think I'm not so a fan of the word mental model. It seems that people carry some models in their minds. People don't do that. I would rather say it as a worldview. And for me, yes, definitely. And it's not just urban and rural. It's about what kind of very particular social cultural practices that we are embedded in, right? So definitely there is a huge difference in granularity of these worldviews that we have encountered. I have encountered, and so did my students. And I'm similar that it's the same for Javed. Aap yahi question Javed se puchenge. I think that question is asked. Unko bhi, the same would be similar for him, that
what we bring is such maybe different views also about worlds and about human beings, about then bodies and then about gender. But I think we also had a lot of common ground, and it was because of that common ground, whether we achieved it or it was there and we made it visible, that we could learn from each other. Very well answered, Naveen. Thank you for that. Javed, मैं आपसे भी यही पूछूंगी. थॉमसन के लिए एक सवाल आया था कि उन्होंने क्या फर्क महसूस किया आपकी आपकी जो सोसाइटी थी जहाँ पे वो रहे और उनकी खुद की सोसाइटी में. लेकिन नवीन ने इसका बहुत अच्छे से जवाब देते हुए कहा कि ये फर्क सिर्फ हमारे दिमाग में है, बट असल में फर्क से ज्यादा उन्हें बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आई, एक जैसी बातें नजर आई. तो जावेद, आपके लिए भी एक सवाल आया है कि इस ट्रेनिंग के बाद, जो ट्रेनिंग आपने करी, इसके बाद घर वापस जाकर आपने क्या बदलाव देखा? जी, मैं मेरे गांव में पहले है ना, लोग है ना महामारी के बारे में पहले कोई बात नहीं करते थे, तो मैं और मेरी टीम ने मिलके एक गांव वालों को समझाया कि है ना महामारी के बारे में खुल के बात करें और कहीं है ना भेदभाव नहीं करें. तो फाइट में तो हमको बहुत सारी मुश्किलें भी आई थी. गांव वाले बोले पागल हो गया, ऐसी बातें कैसे कर रहा है सबके सामने. और फिर और हमने हमारी टीम के साथ में मिलकर और गांव वालों को अच्छे समझाया. और मेरी टीम के अंदर महिला भी है बहुत सारी. और हम सब ने मिलकर गांव वालों को समझाया कि महामारी के बारे में सबसे खुलकर बात करें और आपको कोई समस्या हो तो अपने पति को बताएं. बहुत बढ़िया जावेद, थैंक यू. और आपने बहुत जरूरी पहल ली, बहुत बहुत बधाई उसके लिए. अब मेरा एक और सवाल आया है. There's one more question. This is an open question and anyone can take it. While design is something we always prototype and experiment on an audience to know whether the design is working or not, but this is a very delicate part of one's body. So how did you go about it? So the question is that when you're generally create a design, there is always a prototype or an experiment you do with the audience. But in this case, for example, I think they are indicating towards the cloth pad that Lakshmi made. You know, there is a body part involved. So how did you go about it? This question is by Sai Kerkar. Lakshmi, would you like to take it or? So if a cloth pad is अगर wear pad की बात अगर हम करें, तो हमारे शुरू में हमारे collaborators को बहुत carefully चुनना पड़ता है. तो क्योंकि उस pad को पहन के फिर उसके feedback देना पड़ता है. तो जब हम पहले हमने cloth pad जब बनाया, किसने इसको पहना? हम लोग नहीं पहना, टीम पहले उसको experiment करता है. जब टीम मतलब तीन चार पांच लोग जो डिजाइन में इन्वॉल्व है, जब थोड़ी सी डिजाइन कुछ बन जाता है, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे जाते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल के वापस कौन होता है? संस्था के लोग. संस्था के बहुत सारे महिलाएं जुड़ी थी, जतन के बहुत सारी लेडीज ने इसको पहन के फीडबैक देते थे. फिर वापस सर्कल बढ़ती है, फिर इसको हम ट्रायल के रूप में ले जाते हैं. ये फॉर्मल रिसर्च ट्रायल के रूप में हो गया, जहाँ 8 महीने का ट्रायल हमारा चला. तो जब ट्रायल में लोगों को शामिल करते हैं, तो बहुत सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि 8 महीने तक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको 8 महीने तक हमारे साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ता है. तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, और ये मतलब ये हो जाता है, धीरे 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 हो जाता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टीम एंड देन रेडियली इट मूव्स आउट. So that is how experimentation will be done. तो अगर मान लीजिए किसी पोस्टर की बात है, मान लीजिए किसी किताब की बात है, उसमें भी फील्ड टेस्टिंग की प्रोटोकॉल होती है, उसको भी हम फील्ड टेस्ट करते हैं. तो अमिताभ, शायद फील्ड टेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी आप और बता सकते हो. मुझे मालूम है कि आपने भी बहुत फील्ड टेस्टिंग करी है. अमिताभ जी, फील्ड टेस्टिंग के बारे में क्या मतलब, क्या बताओ फील्ड टेस्टिंग के बारे में? लक्ष्मी, आप म्यूट हैं. हाँ,
नहीं मैं ये सवाल है, मेरा ही सवाल है कि जब आप कुछ डिजाइन करते हैं और उसको जब उसको मैस प्रोडक्शन में लाने के पहले थोड़ी सी आप फील्ड टेस्टिंग करते हो, मुझे पता है क्योंकि आपने पहले शेयर किया इस बात को, तो आपका कोई प्रोटोकॉल या प्रोसेस आप शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आप फील्ड टेस्टिंग करते हो? मान लो आपने कावड़ बनाई तो उसको कैसे आप फील्ड टेस्ट करते हो कि ये चल कि नहीं चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर से मैं कुछ चीजें तो हम सब मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी कुछ चीजें तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दोहरा दूं कि कभी कभी ये गलती शायद हम कुछ डिजाइनर्स कर देते हैं कि फील्ड टेस्टिंग भी हम खुद करने लगते हैं जिन्होंने डेवलप किया है। तो डेवलप करने वाले जब टेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा उनका एक उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगते हैं किसी तरह से। तो सबसे पहले कि जो फील्ड टेस्ट करना चाहिए वो कभी भी वैसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसने उसे खुद डेवलप किया है। फील्ड टेस्ट किसी और को करना चाहिए, उसके उसके रिजल्ट डिजाइनर से शेयर करने चाहिए कि कैसा फील्ड टेस्ट हुआ। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फिर जो अच्छी बात है वो ले लेते हैं, जो खराब बात है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वैसी स्थिति आ जाती है। दूसरे कि आप कभी कभी फील्ड टेस्ट के कुछ पहलू को ज्यादा ही ग्लैमराइज करते हैं, और शायद 100 में से 2 व्यक्तियों ने ऐसा कहा हो, लेकिन आप वो क्योंकि एक बड़ा मजेदार एक वाक्य हो जाता है तो हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी 98 वाला छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो उतना भी जरूरी नहीं है जितना अगर हम कायदे से कहें तो हम बात करते हैं एक बड़े व्यक्ति समूह की, ना कि किसी एक व्यक्तिगत राय की। व्यक्तिगत राय भी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति समूह की बात हम ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर होता है। जी थैंक यू अमिताभ जी, आपने 2 बहुत ही जरूरी बातें की। एक तो ऑनेस्टी टू द फीडबैक कि अच्छा बुरा फीडबैक दोनों उसको जरूर लें, और दूसरी चीज कि एक समूह का फीडबैक लें, अपना सैंपल बड़ा रखें, इंक्लूसिव रखें, तो आपको वाकई में फील्ड टेस्टिंग के रियल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू बहुत बहुत। मेरे 2 और सवाल आए हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं संजीव जी, आप पिछले सवाल के लिए आपने अपना हाथ रेज किया है, अनम्यूट हिम, आप भी प्लीज कहिए अपनी बात। संजीव जी, मैं थैंक यू स्मृति जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो साई ने जो क्वेश्चन पूछा है वो खास तौर से एक बहुत स्पेसिफिक जो बात है कि अगर इतने सेंसिटिव मैटर हो, कोई बहुत पर्सनल सेंसिटिव मैटर हो, तो उसमें डिजाइन की फील्ड टेस्टिंग कैसे करें। तो उसमें बाकी सब बातों के अलावा जो फील्ड टेस्टिंग में यूजर के साथ में एक रैपो बनाना और उनकी कॉन्फिडेंस को जीतना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और सारे डिजाइनर्स को जस्ट कि हम डिजाइनर हैं इसलिए हम ये कह रहे हैं और हमें सब मालूम है, उस सोच से जाने की बजाय बहुत ही नम्रता के साथ में, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में वहां जाना जरूरी है, जिससे कि हम उनका विश्वास जीत सकें और सही तरह के मैंने वहां तक पहुंच सके जो कि सेंसिटिव मैटर है और उसको खुल के डिस्कस कर सके। बिल्कुल संजीव जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेड। यूजर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना ताकि आपको रियल फीडबैक मिल सके। थैंक यू। अब हम बाकी 2 सवालों पे जाएंगे और ये भी ओपन क्वेश्चंस हैं, पर मैं जरूर इनवाइट करूंगी मोनिका जी, अमिताभ जी, संजीव जी, आप भी अपनी राय दें, लक्ष्मी। तो ये सवाल, पहला सवाल है कि ऑल ऑफ यू आर वर्किंग इन द स्पेस फॉर डेकेड्स, हाउ वाज योर वर्क रिसीव्ड बाय टीचर्स, मदर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द इनिशियल फ्यू इयर्स, एंड एनी टिप्स फॉर द न्यूबीज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, ऐसे क्या तरीके हैं कि सरकार अपने पाठ्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को ठीक से शामिल कर सके जैसे संस्थाओं ने किया है। तो इन दोनों सवालों के लिए जो भी जवाब देना चाहे प्लीज, चाहूंगी आप। अमिताभ जी, सबसे पहले क्या मैं आपको आमंत्रित करूं इन सवालों पे?
तो पहला मैं दूसरा वाला सवाल लेता हूँ जिसमें हम ये चर्चा करें कि सरकारी पाठ्यक्रम में इसे कैसे उसी तरह से शामिल किया जाए जैसे संस्थाएं करती हैं। तो अब अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे वातावरण बनने लगा है और सरकारी पाठ्यक्रमों में भी इसकी चर्चा की जाने लगी है, लगभग लोग सोचने लगे हैं और जो नीति निर्णायक हैं वो इसके बारे में निर्णय भी लेने लगे हैं, तो ये अच्छी बात है। दिक्कत एक ही सिर्फ आ रही है जो धीरे धीरे मुझे लगता है उस पर भी काम होगा और बात बन जाएगी, वो है कि पहल तो हुई है और ठीक जैसा कहा गया और एक बड़ा बढ़िया शब्द लगाया गया है कि वैसे ही जैसे ही संस्थाएं करती हैं, मतलब उतने ही दिल से उसी जोश खरोश के साथ, तो वैसा अभी नहीं हो पाया है। उसका कारण ये भी है क्योंकि यहाँ नंबर्स बहुत, संस्थाएं जो काम करती हैं वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में करती हैं और जब सरकार काम करती है तो उसके पास वो नंबर्स लाख में होते हैं और लाख से भी ज़्यादा। अगर हम बात करें बिहार की तो माध्यमिक विद्यालय ही पूरे बिहार में 70,000 से ऊपर होंगे और उसमें पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के नंबर ले लें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको दिक्कतें ज़रूर आती हैं और उसी के चलते क्वालिटी कंट्रोल भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहाँ जहाँ पे थोड़ी अभी कमी है वो है मॉनिटरिंग की। चीज़ें लागू हुई हैं लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है, किसी ने किसकी जिम्मेदारी तय नहीं की है और जिसको कहा जाता है ना कि कौन इसका उत्तरदायी है, मतलब एक नियम बन गया, एक पाठ्यक्रम पे काम हुआ, कुछ मटेरियल डेवलप हो गए, उस पर ट्रेनिंग हो गई, लेकिन वो रूटीन वे में एक नियमित रूप से पाठ्यक्रम का अभी भी हिस्सा नहीं बन पाया क्योंकि शिक्षकों को या प्रधानाध्यापकों को उसका रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता। तो वो बन गया, ऐसा होगा, ऐसी चिट्ठी निकल गई, बस वहीं तक सीमित रह जाता है। इसके आगे की कार्यवाही तभी संभव है जब आप इसको एकदम पॉलिसी मेकिंग पे ले जाएं और जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आप उसका मूल्यांकन करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वैसे इसको भी आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर या क्लास के बाहर की एक्टिविटी ना करके इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके उसकी रिपोर्टिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मोनिका जी, संजीव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? संजीव जी। जो पहला प्रश्न था आपका कि इसको किस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर्स या फैमिली मेंबर्स या किस तरह से देखते हैं इसको, यही था कि इस तरह के काम जो करते हैं इसी के बारे में जानना चाह रहे थे प्रश्नकर्ता। जी जी बिल्कुल। आपकी क्या एडवाइस रहेगी नए लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में अब काम करना शुरू कर रहे हैं? इस क्षेत्र सबसे पहले तो ये मान के चलना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी जो इंटेंट है उसके ऊपर, अगर वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो उसकी जो डायरेक्टली जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनकी इंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर और एक उसको स्मॉल स्केल में, छोटे स्केल में करना और उसको एक बड़े स्केल में करने में काफ़ी अंतर होता है, तो इन दोनों चीज़ों को समझ के ही हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी हरदम यही कोशिश रही है कि अगर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो पहले मैं पता करता हूँ कि इसमें कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी उनकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड कैसी है। अगर मुझे उसमें कुछ डाउट लगता है तो मैं पहले ही उसमें अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो इसकी ये सब जानकारी भी जरूरी है ऐसे प्रोजेक्ट में अपना समय देने के लिए। यहाँ तक टीचर्स की बात है तो हम सब ने देखा कि टीचर्स अमूमन सपोर्टिव होते हैं, खास तौर से वो लोग जिनका इनके इस तरह की फील्ड में एक्सपीरियंस रहा हो। तो जरूर, और ये जरूरी नहीं है कि जो भी टीचर्स डिजाइन स्कूल में हैं सब इसके लिए सपोर्टिव होंगे, क्योंकि उनका खुद का इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे टीचर्स हमें इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करेंगे। और तीसरी बात जो फैमिली की रही, तो बहुत बार फैमिली में आपको झूला छाप कह दिया जाएगा
या आपको इस तरह से कुछ एक पिक्चर बना दी जाएगी आपकी, करे आप तो किस तरह के एक अलग ही रास्ते में काम कर रहे हो, क्यों नहीं आप एक बड़ी कंपनी में नौकरी ले लेते हो, उसमें काम करते हो, ऐसा बहुत सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इस तरह के काम करने हैं जो सिर्फ एक छोटे से समूह, छोटे से जनता के काम का नहीं है, बल्कि उसका योगदान काफी बड़े पैमाने पे हो सकता है और कई लोगों की जिंदगी को रियल मायने में बदलने में उसमें आप सहभागी बन सकते हैं, तो उसी नम्रता के साथ, सहभागिता के भाव के साथ में अगर हम लोग जाके उसमें काम करें तो इसकी, इससे अच्छा सेटिस्फेक्शन शायद और न मिले, ऐसा मुझे लगता है। Very well answered, संजीव जी। मोनिका जी प्लीज कहिए अपनी बात संजीव जी से जोड़ते हुए। बिल्कुल मोनिका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई थिंक मोनिका जी फ्रीज हो गई हैं, तो जब मैं उन्हें वापस इनवाइट करती हूँ जैसी वो आएंगी। लेकिन एक और सवाल हमारे पास आ गया है जो कि हम अपना लास्ट सवाल रखेंगे इस वेबिनार के लिए, कि डिजाइन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन और मार्केट, क्या आपस में ये सब जुड़े हैं? अगर हाँ तो कैसे? आई होप मेरा सवाल क्लियर है। डिजाइन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन और मार्केट आपस में कैसे जुड़े हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो? कैलाश जी भी हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन आपका मन है इस पे कुछ बोलने का? मेरा मन फुदक रहा है बोलने के लिए। ओपन फॉर ऑल आवर डिजाइनर्स। मेरा मन तो फुदक रहा है। नवीन वी कांट हियर यू अगेन। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस। ओके, मैं बोल रहा था कि मेरा मन फुदक रहा है क्योंकि वहां पे मुझे मार्केट दिखाई दिया। तो हिस्टोरिकली द मॉडर्न डिजाइन दैट वी ऑल हैव स्टडीड एंड टीच जो है वो मार्केट से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। बिना वो मार्केट ये डिजाइन नहीं रहता ऐसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजाइन या मास मैन्युफैक्चरिंग जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेसेस शुरू हुए तभी ये डिजाइन शुरू हुआ कि भाई हम किसी और के लिए डिजाइन बना रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं तो किसी और के लिए होगा। तो अभी भी वही चल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ स्केल कि बहुत कम लोग हैं जो डिजाइन करेंगे, बहुत कम लोग हैं जो टीच करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए। दैट इज दैट नोशन ऑफ स्केल इज कमिंग फ्रॉम मास, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नोशन ऑफ मास मैन्युफैक्चरिंग, एंड दैट्स वेयर द नोशन ऑफ मार्केट इज। सो फॉर मी एंड आई फाइंड दैट एज अ प्रॉब्लम दैट डिजाइनर्स नीड टू स्टार्ट, नॉट दैट वी आर नॉट, वी हैव हैड एग्जांपल्स टुडे of how designers have always been trying to push against this. Antab ji ka kaam ho, ya Lakshmi ji ka kaam ho, ya Monika ji ka kaam ho. That's very rich for us to push back that market need not be, in many ways, is not the solution for social issues. So the whole sort of abhi entrepreneurs banayenge, wo log change karenge, whole sort of benevolent capitalism jo hai na, wo bahut hi, mere khayal se kafi, it's khatarnak cheez hai, it's very dangerous because it takes away the responsibility of the government, it takes away the responsibility of the public institutions, it takes away the responsibilities of the civic society and puts the onus on an individual consumer to choose better. It takes away the responsibility also ki designer ka jo responsibility hai wo bhi nikal jata hai, and wo individual consumption pe, and that is where behavior changes also linked to. For example, main abhi chota sa example dunga, COVID situation, right? Abhi aisa, I mean, there's a lot of situation that has created where abhi if an individual is not wearing a mask, then it is their problem. Now the question is, can all individuals afford to wear a mask, right? What about people who are doing the construction work, which is right happening here, right? They cannot, I mean, they cannot breathe if they wear the mask. So and the market doesn't resolve these questions. So design has been traditionally been part of market, but it has to get out of that if you have to do any change in social social problems, is my understanding.
and you know try and reduce that burden on the owner by giving them the right information. But very well said, very important points made. I would like to invite Kailashji, who also has something to say. Monica ji, aap aa gaye hain, please Monica ji, aap pehle bolie aur फिर Kailash ji aa jayenge. हेलो हाँ जी ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था जी पुणे में थोड़ा सा मौसम का बहुत चल रहा है इसमें नेट से थोड़ा डिस्टर्बेंस है. जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात हो रही थी तो मुझे मैं सिर्फ अपने अनुभव ही शेयर करने आई हूँ यहाँ पे. तो मुझे एक बार याद आता है चित्तौड़गढ़ में हम एक बार जो गवर्नमेंट के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ में हम लोग कार्य कर रहे थे. एक ट्रेनिंग थी हमारी 3 दिन की जेंडर सेंसिटाइजेशन पे. तो शुरू में तो क्या होता है कि जब हम मतलब जाते हैं और वो देखते हैं कि ये हमारे ट्रेनर है तो वो उनका पहला ये था कि जितना हमारा एक्सपीरियंस है जॉब का उतना आपका एज भी नहीं होगी. तो धीरे धीरे उन आप लोग क्या बताएंगे. फिर सेकंड आता है मैम आपकी शादी हो गई है क्या. तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं वो एक बहुत बड़ी बात आती थी. और आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते आप इस तरह की ट्रेनिंग्स करती हैं या क्या है. तो वो जेंडर सेंसिटाइजेशन को भी उससे जोड़ा जाता है कि इस पे हम बात ही नहीं कर सकते हम क्योंकि पता है कि आगे किस तरह की बात होगी. हाँ धीरे धीरे जब सेशंस बढ़ते हैं आगे आगे जब वो जुड़ते हैं और हमारा सिर्फ यही रहता है कि हम ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता और हम बताने आए ऐसा नहीं है. आपको आता है और हमें भी थोड़ा बहुत तो उसको शेयर करना है हमको. वो एक चीज होती है कि आप भी तो अपने एक्सपीरियंस बताएं क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज्यादा है क्योंकि गांव के लोग गांव में डील करना उनका ज्यादा काम है. हम तो यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आए हैं. तो ये चीज फिर जब जाते हैं 3 दिन बाद वो लोग तो फिर उनको लगता है कि कुछ तो हमको मिला कि मतलब हाँ ये लोग नहीं तो हमको ये यंगस्टर्स हम लोग को क्या समझाएंगे. तो थोड़ा सा वहां से झुके और थोड़ा इधर से तो बैलेंस चलेगा तब जाके फिर काम होता है ऐसा. यही बस शेयर करना चाहती थी. थैंक यू मोनिका जी. आपकी हर बात पे हम तालियां बजा रहे हैं जब से आपने बोलना शुरू किया है. तो बिल्कुल सही आपने कुछ बातें कही एंड उसमें लॉर्ड बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा उसी के साथ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीजें बताई है नए लोगों को काम करने के लिए कई टिप्स दिए हैं. तो अब जो हमारा आखिरी सवाल था कि कैसे डिजाइन महावारी स्वास्थ्य बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और मार्केट जुड़ा हुआ है उस पे मैं कैलाश जी को इनवाइट करूंगी फाइनल कमेंट्स के लिए क्योंकि हम 2 बजे पार कर चुके हैं और उसके बाद हम और समय नहीं लेंगे और आपका. हाँ इस सवाल के जवाब क्या मेरी आवाज तो नहीं दे रही है. ठीक मैं इस सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा कि अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे जो हमारी प्रबंधन है ये एक मुद्दा है. डिजाइन इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का पता है. बीसीसी उस मुद्दे का परिणाम है उस डिजाइन का परिणाम है. मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जो इस काम को आगे लेके जाती है. तो ये चारों बिल्कुल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं और ये अच्छे मतलब ये बताते हैं कि ये चारों जुड़े हैं. नहीं स्मृति जी मेरे को बोलने नहीं देती इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ. कैसे जुड़े हैं उस पर कविता की तरह समझा दिया सभी को कि वो कैसे जुड़े हुए. तो बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए और ओम जी ने जो ये सवाल किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल किया और सबको सोच में डाला. तो इसी के साथ मैं पायल को अब वापस बुलाती हूँ. हम अपना Q&A सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं. बहुत खुशी हुई सारे स्पीकर्स की बातें सुनकर और थैंक यू वेरी मच. कहां से शुरू करूं. मतलब ये वीकेंड की इतनी
बोलते ना इतनी धुआंधार लर्निंग वाली शुरुआत हुई है कि पूरे दो दिन तक हमारे दिमाग में यही सारे जो टॉपिक्स हैं वो गूंजेंगे। आज का पूरा जो सेशन था वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा और मैं हमारे सारे स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके जो इतने सालों के अनुभव, आप सोचिए कि हमारे हर स्पीकर जो है वो दशकों का अनुभव अपने साथ लेकर आए, तो आज हमने करीब 100 साल तो पार कर लिए सिर्फ अनुभवों में। तो इसी अनुभव की पोटली को ले जाते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये अनुभव साझा करे। मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अंत तक बने रहे और आपने हमें बहुत ध्यान से सुना। मैं हमारे उन सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने सवाल बोले और जिनके जवाब हमारे पैनलिस्ट ने दिए। एक और बात ये भी है कि साथियों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जितनी भी बात हो वो कम है और डिजाइन एक ऐसा क्षेत्र है जो एवर इवॉल्विंग है। हर एक साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये इवॉल्व ही होता जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इन्हीं सारी असीमितताओं को, इन पॉसिबिलिटीज को और इस पोटेंशियल मुद्दे को हमको आगे लेकर जाना है। तो इसी प्रण के साथ हम आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहे उन सभी का धन्यवाद और आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इसका जो लाइव YouTube पे जो लिंक है वो बाद में भी अवेलेबल रहेगा, तो जो साथी आपके आपको लगता है कि जिनको आप जरूर ये बात रेफर करना चाहेंगे तो ये लिंक जरूर उनके साथ साझा कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सालों का एक्सपीरियंस उन तक पहुंच सके। तो आप सभी को एक बार और धन्यवाद। हमारे ट्रांसलेशन वाले साथी स्मृति और राजसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने दो भाषाओं में हमारे साथियों के साथ संपर्क बनाए रखा और सबको बराबर जोड़ के रखा। धन्यवाद आप सभी का। आपका वीकेंड बहुत बहुत शुभ रहे और अगले सप्ताह शनिवार को हम एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे और इसमें हम जैसे हमने अपने पिछले 3 एपिसोड में भी किया कि हम अलग अलग क्षेत्र की महामारी संबंधित रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधित बातों को, मुद्दों को और वहाँ की स्ट्रेटजीज को लेकर के आएंगे। इससे आप सभी को मौके मिलेंगे कि आप अपनी तरफ से पिक एंड मैच करके एक फॉर्मूला बनाए जो आपके क्षेत्र में कारगर हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार को। धन्यवाद। मोनिका, किसको मैं भूल रही हूँ, संजीव, सबका नाम आ गया। अगर टीम को नहीं थैंक यू बोलो तो सब मार देंगे बाद में, जो दिखाया नहीं जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Right away.